Hello everyone, good evening everybody. Am I audible to each and everyone? Is audibility absolutely fine? We are live now. This is Mohit here and welcome to the textbook guys. Sabhi log mujhe dekh pa rahe hain, sun pa rahe hain, ba confirmation denge. Confirmation do yaar, is audibility absolutely fine to each and everyone? India ke best AJ electrical session mein aap sabhi bachcho ka fir se swagat hai aur isko best aap logo ne banaya hai, aapke pyar ne banaya hai. पिछले दो साल के अंदर अंदर जितने भी हमारे एग्जाम्स हुए हैं, चाहे एग्जाम DSSSB हो या DFCCI लो, RVNL हो या RSMSSB हो, SSCJE हो या NHPC हो, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड OCT बोकारो राउरकेला का पेपर हो या पेपर हो मध्य प्रदेश सब इंजीनियर, पेपर हो यूपी मेट्रो महाजैन को महाट्रांस को या पेपर हो आपका मध्य प्रदेश सब इंजीनियर, पेपर हो आपका MPPGCL या वेस्ट बंगाल PSC, आपको मेरे इन्हीं सेशंस एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिले हैं. हर दिन हम लोग मंडे से लेकर के फ्राइडे तक मिलते हैं शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक. डेडिकेटेड 4 से 5 हमारा SSCJE का सेशन होता है और 5 बजे से लेकर के 6 बजे तक हम लोग PGCIL डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए मिलते हैं. इसके अलावा अगर बात करें तो गाइस सैटरडे संडे को हम लोगों का मैराथन सेशन होता है, जैसे कि आज मैराथन है, कल भी हमारा मैराथन था इलेक्ट्रिकल का बूस्टर डोज, और आज ये मैराथन कुछ अलग तरीके का होने वाला है. आपको पता है एवरी वीकेंड में आपको एक सब्जेक्ट को रिवाइज कराता हूँ. लास्ट टाइम पे मैंने पावर सिस्टम आपको रिवाइज कराया था और आज ये कुछ अलग तरीके का सेशन में लेके आया हूँ फर्स्ट टाइम ऑन द यूट्यूब गाइस. यहाँ पर वन लाइनर या वन लाइनर का मतलब होता है कि एक एक लाइन के थ्रू हम लोग पूरे मशीन्स को रिवाइज करेंगे. आज की क्लास में कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, सिर्फ पूरी की पूरी थ्योरी होगी, पूरे के पूरे फॉर्मुलाज होंगे, पूरा का पूरा फॉर्मुला के थ्रू रिविजन होने वाला है. तो एक बार दिल से सभी बच्चे सेशन को लाइक एंड शेयर कर देंगे सो दैट वी विल स्टार्ट अ फैंटास्टिक सेशन गाइस. एवरीवन यहां पे जितने भी अवेलेबल बच्चे हैं सभी एक बार सेशन को शेयर एंड लाइक करेंगे सो दैट वी विल स्टार्ट अ फैंटास्टिक सेशन. भाई क्या बात है, क्या बात है, बफरिंग हो रही? नहीं, कोई बफरिंग नहीं हो रही है, कोई बफरिंग नहीं हो रही. पावर सिस्टम का फॉर्मूला रिविजन ऑलरेडी हो चुका है, पावर सिस्टम का फॉर्मूला रिविजन ऑलरेडी हो चुका है और आज पूरा इलेक्ट्रिकल मशीन का रिविजन होने वाला है. कंप्लीट इलेक्ट्रिकल मशीन का रिविजन गाइज आज होने वाला है. क्लियर? और आपको कोई भी चीज नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप लोग शायद नोट डाउन नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको भी पता है पीछे चीजें PDF के फॉर्म में है, तो नोट डाउन कर पाना आपके लिए बहुत मुश्किल है. तो आप लोगों को ये PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आपको उसकी चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. तो एक बार सेशन को शेयर एंड लाइक मारेंगे गाइस सभी बच्चे जितने भी अवेलेबल है बेहतरीन तरीके से. क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. चलिए 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 चलिए, ऑडियो वीडियो प्रॉपर ओके है? ऑडियो वीडियो प्रॉपर ओके है? चलो चलो चलो. सो वन लाइनर स्टार्ट करते हैं गाइस इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए. सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल मशीन क्या होती है तो आपको पता होना चाहिए. एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूं ताकि आप लोगों को यहां पे दिखने की दिक्कत ना हो. एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड. परफेक्ट परफेक्ट. चलिए, सो गाइज आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिकल मशीन क्या होती है. सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिकल मशीन वो पर्टिकुलर डिवाइस है या वो पर्टिकुलर सिस्टम है जो बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में करती है या फिर मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में करती है. तो हर एक इलेक्ट्रिकल मशीन की अगर मैं बात करूं तो या तो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें मिलेगी कन्वर्ट होकर, मैकेनिकल एनर्जी में मिलेगी. और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कौन करता है, ये हमारा मोटर का काम है. या तो फिर बेटा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम किसका है, ये बेसिकली हमारा जनरेटर का काम है. क्लैरिटी है क्या इस बात की? परफेक्टली क्लैरिटी है. नाउ गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लोग डीसी मशीन को स्टार्ट करेंगे, फिर डीसी मशीन के बाद हम लोग फॉलोड बाय ट्रांसफॉर्मर, इंडक्शन और सिंक्रोनस और स्पेशल मशीन, पूरी चीजें को एक साथ लेते हुए चलेंगे. ठीक है, ये पूरा वन लाइनर रिविजन है. किसी भी बच्चे को अगर मशीन पहले से आता होगा वेरी वेल एंड गुड, 2 घंटे के अंदर अंदर पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएगा, आपको एक एक चीज रिवाइज हो जाएगी. और अगर किसी बच्चे को मशीन पहले से नहीं आता होगा तो काफी हद तक उस चीजों को सीख जाएगा. अब आती बात डीसी मशीन की, तो डीसी मशीन में सबसे पहले हमारा डीसी जनरेटर होता है. डीसी जनरेटर बेसिकली करता क्या है, एक इलेक्ट्रिकल मशीन है जो कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी को किसमें, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिकल पावर में, यानी कि डीसी पावर में कन्वर्ट करता है. और वो भी किस प्रिंसिपल्स पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे. लेकिन अगर मैं डीसी जनरेटर के प्रिंसिपल की बात करूं कि ये कैसे करता है, तो एक डीसी मशीन का जो प्रिंसिपल होता है ये बेसिकली क्या होता है, एक कॉइल होती है. क्लियर? एक कॉइल होती है. जैसा अगर मैं बात करूं डीसी जनरेटर की, तो आप सभी बच्चे जानते हो डीसी जनरेटर के बारे में कि डीसी जनरेटर में एक्चुअल में क्या है. तो यार डीसी जनरेटर के हमारे पास 2 पार्ट है. पहला होता है हमारा फील्ड सिस्टम जहां पे हम फील्ड वाइंडिंग करके रखते हैं, और दूसरा होता है बीच में हमारा रोटर जो कि हमारा रोटेटिंग होता है जिसको हम लोग आर्मेचर बोलते हैं. तो अब एक्चुअल में होता क्या है, फील्ड वाइंडिंग पर आप फील्ड सप्लाई देते हो जिसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है. जब एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो बीच में रखा रहता है आपका आर्मेचर, और यहाँ पर
है ना, आर्मेचर को बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, तो अगर मैं बात करूं तो आर्मेचर को बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, डीसी जनरेटर के अंदर पर्टिकुलर स्पीड से घुमाने का काम करते हैं। तो पर्टिकुलर स्पीड पे जब हम उसको घुमाने का काम करेंगे यानी कि टर्बाइन की मदद से, तो बेसिकली हमारे आर्मेचर के कंडक्टर क्या बन जाएंगे, हमारे आर्मेचर के कंडक्टर बनते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर। और अगर वो करंट कैरिंग कंडक्टर है तो डेफिनेटली बेटा उसके अंदर क्या है, करंट कैरिंग सॉरी आर्मेचर के कंडक्टर क्या बन जाएंगे आपके, रोटेटिंग नेचर के हो जाएंगे। अब आपका जो कंडक्टर है वो फील्ड सिस्टम है, रोटेटिंग नेचर का है, तो अगर फील्ड सिस्टम है और बीच में अगर आर्मेचर का कंडक्टर रखा यानी कि रोटेटिंग है, तो इसके अंदर एक ईएमएफ पैदा होता है जिसको बोलते हैं डायनेमिक ईएमएफ इंड्यूस, तो उसी तरीके का ईएमएफ यहां पे पैदा होता है। लेकिन अगर मैं गाइस बात करूं तो हमारे आर्मेचर के कंडक्टरों में जो ईएमएफ आता है डीसी जनरेटर में, वो हमेशा एसी ईएमएफ होता है, यानी कि वो हमेशा एसी होता है। तो आर्मेचर के अंदर जो ईएमएफ आता है वो हमेशा एसी होता है, लेकिन कम्यूटेटर और ब्रश की मदद से हमको जो आउटपुट में मिलता है, कम्यूटेटर और ब्रश की मदद से जो हमको आउटपुट में मिलता है वो बेसिकली कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब कैसा देखने को मिलता है, पल्सेटिंग ईएमएफ देखने को मिलता है। तो डीसी जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है, व्हेन अ कॉइल ऑफ वायर, कॉइल ऑफ वायर मतलब आर्मेचर जब रोटेट करती है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, इट जनरेट डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट होता है वोल्टेज ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नाउ डीसी जनरेटर जो होते हैं बेसिकली हमारे वो दो टाइप के होते हैं। अब दो टाइप के जो डीसी जनरेटर हैं वो कौन कौन से जनरेटर हैं, तो ये आपके सामने पूरा क्लासिफिकेशन है डीसी जनरेटर का, अगर आप एक बार में देखोगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि ये क्लासिफिकेशन क्या बोलता है। अगर मैं बात करूं डीसी जनरेटर या मोटर की, तो गाइस ये दो टाइप का है, एक होता है सेपरेटली और एक होता है सेल्फ एक्साइटेड। सेपरेटली एक्साइटेड का मतलब ये होता है कि आपका जो आर्मी फील्ड वाइंडिंग है उसको अलग से सप्लाई दी जाती है, लेकिन बेटा एक सेल्फ एक्साइटेड भी होता है जहां पे इसको अलग से सप्लाई नहीं देते। अब सेल्फ एक्साइटेड में हमारे पास आता है शंट, सीरीज और कंपाउंड। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कंपाउंड मशीन की, तो कंपाउंड मशीन जो होती है वो दो तरीके की होती है, एक होती है शॉर्ट शंट, एक होती है लॉन्ग शंट। और शॉर्ट शंट में वापस से दो तरीके होते हैं, क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल, और लॉन्ग टर्म में भी वापस से दो होते हैं, एक होता है क्यूमुलेटिव और एक होता है आपका डिफरेंशियल। देन अगर इसके बाद की मैं बात करूं तो आप अपन चलते हैं सबसे पहले सेपरेटली एक्साइटेड मशीन की तरफ। ठीक है, सबसे पहले कहां चलते हैं, सेपरेटली एक्साइटेड मशीन की तरफ। अगर मैं बात करता हूं एक सेपरेटली एक्साइटेड मशीन जो कि आपको सामने यहां पे दिख रही होगी, यहां पे जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसको हम लोग डीसी सप्लाई देते हैं। आपका जो फील्ड सिस्टम होता है किसका बेटा, मशीन का, आपके डीसी मशीन का जो फील्ड सिस्टम होता है वो स्टेशनरी होता है, यहां पे अलग से डीसी सप्लाई देते हैं। और ये बेसिकली हमारा आर्मेचर सिस्टम है और आर्मेचर पे आप लोड लगाते हो। अगर मैं जनरेटर की बात कर रहा हूं तो अगर आप ये जनरेटर है अगर ये जनरेटर है तो आपको पता होना चाहिए क्या ये सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर है, तो आपको फील्ड सिस्टम अलग से लगानी पड़ेगी। तो देखो लिखा है इन दिस टाइप ऑफ वाइंडिंग विद अ सेपरेट एक्सटर्नल डीसी सोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ जनरेटर आउटपुट। इसका जनरेटर के आउटपुट से कोई लेना देना नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पे सप्लाई लगा के छोड़ दीजिए, ये बेसिकली सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर होता है। नाउ गाइस इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, अब आता है सेल्फ एक्साइटेड। तो अब सेल्फ एक्साइटेड में जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे टाइप है, पहला टाइप आपका सेल्फ एक्साइटेशन में क्या है, सीरीज, दूसरा क्या है शंट, तीसरा क्या है कंपाउंड। और कंपाउंड में भी दो टाइप के हैं, शॉर्ट शंट है और लॉन्ग शंट है। और शॉर्ट शंट में भी दो टाइप के हैं, क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल। और लॉन्ग टर्म में भी दो टाइप के हैं, क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल। अब आती है यहाँ पे बात, अब ये है सेल्फ एक्साइटेड, तो आप देखोगे ये जो फील्ड वाइंडिंग है इसको हमने अलग से सप्लाई देके नहीं रखी है, ये हमारी कॉमन दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में जुड़े हैं। अब दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में जुड़ना जरूरी है क्या, बता दूंगा। अगर ये दोनों पैरेलल में जुड़ते हैं, कौन, आर्मेचर के साथ पैरेलल में अगर शंट फील्ड वाइंडिंग ऐसे जोड़ी गई है तो इसको बोला जाता है शंट जनरेटर। अगर इन दोनों को सीरीज में जोड़ते हैं तो कहलाता सीरीज जनरेटर। और कंपाउंड जनरेटर एक अलग तरीके का जनरेटर होता है, कंपाउंड जनरेटर वो जनरेटर होता है जिसमें सीरीज में भी जोड़ा जाता है और बेसिकली किसमें जोड़ा जाता है, शंट में भी जोड़ा जाता है। आज आप यहाँ पे देखोगे सिर्फ आपको फील्ड वाइंडिंग शंट में दिख रही है, इसलिए बाय डिफॉल्ट ये एग्जांपल हो गया शंट जनरेटर का। अब देखेंगे आप सेल्फ एक्साइटेड की मैं बात कर रहा था, तो सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर वो जनरेटर होते हैं जो अपनी ओन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं यूज अ फील्ड वाइंडिंग की मदद से, अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड होती है, मतलब खुद की मैग्नेटिक फील्ड होती है, मतलब हम उसमें अलग से सप्लाई नहीं देते, इनकी अपनी खुद की क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। और ये इस तरीके से कुछ कनेक्टेड होते हैं। अब ये बेसिकली हमारे तीन टाइप से होते हैं, पहला मैंने आपको बताया शंट वाउंड जनरेटर यानी कि शंट जनरेटर होता है। शंट जनरेटर वो जनरेटर होता है जिसकी फील्ड वाइंडिंग है ना आपकी पैरेलल में होती है आर्मेचर के साथ। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर ये क्या अवेलेबल है, आर्मेचर, और इस आर्मेचर के साथ ये क्या जुड़ी हुई है, फील्ड वाइंडिंग जुड़ी हुई है। ठीक है, इस आर्मेचर के साथ ये क्या जुड़ी हुई है, फील्ड वाइंडिंग जुड़ी हुई है, दिख गया। ओके, अब ये जनरेटर कब कहलाएगा, क्योंकि बेटा देखो डीसी जनरेटर का जब भी न्यूमेरिकल आएगा सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, है ना, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, डीसी जनरेटर का जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये आपका डीसी शंट जनरेटर है। शंट जनरेटर का काम ये होता है कि ये आप सबसे पहले यहां से क्या करेगा, आर्मेचर करंट को बाहर निकालेगा। जब ये आर्मेचर करंट को बाहर निकालेगा तो लोड में जाने वाला करंट बन जाता है लोड करंट, और फील्ड में जाने वाला करंट बन जाता है शंट करंट।
ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ जो वोल्टेज होता है लोड पे, इसको टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ इक्वेशंस होती हैं जो हमको याद रखना है, जैसे कि सबसे पहले आर्मेचर करंट जो हमारा होता है वो लोड करंट प्लस फील्ड वाइंडिंग का करंट यानी कि शंट करंट के बराबर होता है। दूसरी बात याद रखना है आपको, ये जो जनरेटेड ईएमएफ है यानी कि क्या नाम है इसका, ईजी, ये जनरेटेड ईएमएफ जो होना चाहिए वो टर्मिनल वोल्टेज प्लस आईएआरए के बराबर होना चाहिए। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है यहाँ पे। दूसरी बात, अगर आपको यहाँ पे शंट करंट निकालना है तो शंट करंट के केस में आपको पता होना चाहिए क्या कि हमारा जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वही डिवाइडेड बाय हमारा फील्ड वाइंडिंग के रेजिस्टेंस के बराबर होता है, जो कि आपका बेसिकली यहाँ पे लगा हुआ है। क्लैरिटी है क्या इस बात की? यस सर। सौरभ मीना जी बोल रहे हैं पीजीसीआईएल का क्लास कब, पीजीसीआईएल का क्लास कब होगा? सौरभ जी ये किसका क्लास चल रहा है बेटा? ये इलेक्ट्रिकल मशीन है, इलेक्ट्रिकल मशीन एसएससी जेईई में भी आएगा और पीजीसीआईएल में भी आएगा। ठीक, तो आज का जो सेशन रखा गया है वो बाय डिफॉल्ट दोनों के लिए ही है, और जो मशीन वहां पूछता है वही मशीन वहां पूछेगा। ट्रांसफॉर्मर को ट्रांसफॉर्मर ही बोलेंगे, जनरेटर को जनरेटर ही बोलेंगे। ठीक है, बस थंबनेल के ऊपर यहाँ पर आपके पास पीजीसीएल नहीं लिखा हुआ है, इसलिए आपको लगता है ये एसएससी जेईई का क्लास, बट है तो मशीन की क्लास। ठीक है, चलिए तो इस क्लास को एंजॉय करें बढ़िया तरीके से। अब आती है बेटा हमारी शंट जनरेटर। अब अगर हम बात करते हैं शंट जनरेटर, नेटवर्क का भी ऐसा ही सेशन लूंगा, पावर सिस्टम का फॉर्मूले का ले लिया, उसके बाद मैंने फैक्चुअल डेटा का सेशन लिया था याद होगा, एस्टिमेशन कॉस्टिंग का, आज मशीन का ले रहा हूं, एक दिन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का लूंगा अगले सैटरडे को, उसके बाद फिर एक दिन लूंगा यूटिलाइजेशन का, ऐसे करके आपके 8 सब्जेक्ट हैं, पेपर के पहले पूरे निपटा दूंगा, चिंता मत करो। चलो अब आती है सीरीज जनरेटर की बात करते हैं, क्लियर। अब सीरीज जनरेटर की जब मैं बात करता हूं तो सीरीज जनरेटर के केस में मेरी जो फील्ड वाइंडिंग होती है, ये आप देखोगे यहां पे गाइस, ये मेरी फील्ड वाइंडिंग है और ये मेरी आर्मेचर वाइंडिंग है, ये दोनों आपकी सीरीज में कनेक्ट होती है। तो अब मेरा आर्मेचर से मेरा एक करंट बाहर की तरफ निकल के जाएगा, ये देखेंगे आप लोग, तो जैसे ही आर्मेचर से करंट बाहर के निकल के जाएगा और ये मेरा क्या है गाइस, यहाँ पे सीरीज फील्ड वाइंडिंग का करंट है, और यही करंट मेरा क्या बन जाता है, लोड में जाने वाला करंट बन जाता है, और लोड पर जो मुझे वोल्टेज मिलता है उस वोल्टेज को मैं क्या बोलता हूँ, टर्मिनल वोल्टेज। तो एक शंट जनरेटर के अंदर हमेशा याद रखना, जो आर्मेचर करंट है वही आपका फील्ड वाइंडिंग का करंट है, ठीक है, और जो फील्ड वाइंडिंग का करंट है वही लोड करंट है, इसीलिए इसको सीरीज में बोला जाता है। इसके बाद अगर यहाँ पे इक्वेशन लिखनी हो आप तो इक्वेशन डायरेक्टली लिख सकते हो, EG इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस, VT प्लस IA के साथ, IA के साथ यहाँ पे एक चीज और जुड़ जाएगी, आर्मेचर का रेजिस्टेंस तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, प्लस फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस भी जुड़ जाएगा, क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें अवेलेबल है, सीरीज में अवेलेबल होते हैं, ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें अवेलेबल है, सीरीज में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब आती है कंपाउंड जनरेटर, और यहां पर अगर हम बात करते हैं कंपाउंड मशीन की, तो एक कंपाउंड वाउंड जनरेटर आपके पास होता है, दो तरीके का होता है, एक होता है शॉर्ट शंट होता है और एक होता है लॉन्ग शंट। पहले तो कंपाउंड के बारे में समझ ले, कंपाउंड होता क्या है। कंपाउंड जनरेटर की अगर हम बात करें तो कंपाउंड जनरेटर वो जनरेटर होता है, सुनते जाना मेरी बात को, कंपाउंड जनरेटर वो जनरेटर होता है जिसमें सीरीज में भी फील्ड वाइंडिंग होती है और शंट में भी फील्ड वाइंडिंग होती है। तो आप देखेंगे ये है हमारे पास कंपाउंड जनरेटर, दोनों वाइंडिंग दिखेगी, ये वाइंडिंग दिख रही है सीरीज में, ये दिख रही है शंट में, ये दिख रही है शंट में, ये दिख रही है सीरीज में। बट यहां पर क्या होता है, एक होता है लॉन्ग शंट और एक होता है शॉर्ट शंट। शॉर्ट शंट के बारे में समझ लेते हैं, शॉर्ट शंट में होता क्या है जरा सुनना। शॉर्ट शंट में क्या होता है, जब हमारा आर्मेचर का करंट ऊपर की तरफ जाता है, हमारा जो आर्मेचर का करंट है ना बेटा, जब ऊपर की तरफ जाता है इस तरीके से, तो ये आर्मेचर है, इस पूरे आर्मेचर के साथ पैरेलल में अगर हम लोग वाइंडिंग लगाते हैं, इस पूरे आर्मेचर के साथ हम पैरेलल में वाइंडिंग अगर लगाते हैं, ठीक है, और जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है वो लोड के साथ सीरीज में लगा देते हैं, तो ये कहलाता है शॉर्ट शंट। लेकिन जब बात करता हूं मैं लॉन्ग शंट की, जब मैं बात करता हूं जब लॉन्ग शंट की, तो लॉन्ग शंट की जब मैं बात करता हूं तो लॉन्ग शंट में क्या करते हैं, पहले से ही हमारा जो आर्मेचर है उसके साथ सीरीज फील्ड वाइंडिंग को लगा देते हैं, पहले ही लगा देते हैं, और उस पूरे के साथ वापस से लगाया जाता है किसको, है ना, वापस से लगाया जाता है किसको, शंट फील्ड वाइंडिंग को। तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट शंट एंड लॉन्ग शंट, तो आपको बोलना शॉर्ट शंट में लोड का करंट जो है वो सीरीज फील्ड वाइंडिंग में जाता है, लेकिन लॉन्ग शंट में आर्मेचर का करंट सीरीज फील्ड वाइंडिंग में जाता है। ये डिफरेंस है बस दोनों के अंदर, और किसी तरीके का डिफरेंस नहीं है, क्लियर। चलिए मयंक शेखर बोल रहे हैं पीडीएफ फॉर मशीन फॉर्मूला, यही चल रहा है बेटा, यही तो चल रहा है, पढ़ा तो दूं फिर तेरे को मिल जाएगी पीडीएफ। चल नेक्स्ट। अब आती है बात डीसी जनरेटर के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जहां से सवाल पूछता है पेपर में, डीसी जनरेटर के अंदर, ठीक है, डीसी जनरेटर में जो कॉपर लॉसेस होते हैं वो एनर्जी लॉस होते हैं एज अ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द कॉपर वाइंडिंग ऑफ जनरेटर। तो डीसी जनरेटर में कॉपर लॉस की जब आप बात करोगे तो क्या मतलब है, एक फील्ड वाइंडिंग का कॉपर लॉस आई स्क्वायर आर और दूसरा आर्मेचर वाइंडिंग का कॉपर लॉस आई ए स्क्वायर आर है, ठीक है, ऑफ द जनरेटर लीडिंग टू हीट, इसकी वजह से क्या होता है, हीट का प्रोडक्शन होता है और जिसकी वजह से रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर वायर के अंदर हीट का प्रोडक्शन होता है। सिमिलरली डीसी जनरेटर के यूजेस क्या है, तो
तो अगर मैं डीसी जनरेटर के यूज की बात करूंगा तो सबसे पहले आपको डीसी जनरेटर के यूज में पता होना चाहिए कि ये वहां यूज होगा जहां जहां आपको डीसी सप्लाई की जरूरत है। जैसे कल को कोई आके बोलता है भाई मुझे डीसी सप्लाई दे दो, मेरे पास मैकेनिकल पावर है, तो आपको मिल जाएगा। क्लैरिटी है क्या इस बात की? यस सर क्लैरिटी है। क्लियर? यस सर क्लैरिटी है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अब आता है सबसे पहले फॉर्मूलाज। अभी मैंने आपको एक डीसी जनरेटर का इंट्रोडक्शन दे दिया कि कितने कितने टाइप के डीसी जनरेटर होते हैं, क्या क्या होता है। अब इनसे बनने वाले क्वेश्चंस और उनसे बनने वाले फॉर्मूलाज आपके सामने रिवाइज कराने जाऊंगा। पहला होता है कॉइल स्पान। एक डीसी जनरेटर में अगर आपसे कोई पूछ ले कॉइल स्पान क्या होता है, तो कॉइल स्पान के बारे में आप बताना डिस्टेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ कॉइल। जैसे कि मान लेता हूं मेरे पास ये एक कॉइल है, और मेरे पास अगर ये एक कॉइल है तो इस कॉइल के दो साइड है। पहला साइड कॉइल का ये वाला है ना, पहला साइड कॉइल का कहां पे भैया? तो पहला साइड कॉइल का ये वाला है, ये हमारा पहला साइड है कॉइल का, ये हमारा पहला साइड है कॉइल का। कौन सा वाला पहला साइड है कॉइल का? ये वाला। तो ये बेसिकली पहला साइड है कॉइल का, ये दूसरा साइड है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं स्पान। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय, अगर मैं बात करूं ठीक है, व्हाइल है ना, इस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू साइड ऑफ द कॉइल। तो कॉइल स्पान क्या है? कॉइल की दोनों साइड के बीच का जो डिस्टेंस, उसको क्या बोला जाता है? कॉइल की दोनों साइड के बीच का जो डिस्टेंस है इसी को क्या बोला जाता है? इसी को कॉइल का स्पान बोला जाता है, कि आपकी कॉइल कितने कितने डिस्टेंस में फैली हुई है। तो एक कॉइल की दो साइड होती है और इन दोनों साइड के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को बोला जाता है कॉइल स्पान। अब बात आती है यहाँ पे कॉइल पिच की। तो कॉइल पिच क्या होती है? कॉइल स्पान अलग चीज है डीसी मशीन में, और कॉइल पिच अलग चीज है। कॉइल पिच होता है इनके बीच का जितना डिस्टेंस है वो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल। तो याद रखना कॉइल पिच इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल साइड्स इन इलेक्ट्रिकल डिग्री। तो अगर मैं आपसे बात करूं कॉइल स्पान क्या है और कॉइल पिच क्या है, यहां पे बहुत कंफ्यूजन होता है। अगेन मैं बोलूंगा कॉइल स्पान का मतलब क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स, डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स साइड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल। तो ये हमारा हो जाता है क्या? ये डिस्टेंस जो आपको दिख रहा है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल, इसको बोलते हैं कॉइल स्पान। क्या बोलते हैं? कॉइल स्पान बोलते हैं। और कॉइल पिच क्या होती है? इन दोनों के बीच की इलेक्ट्रिकल एंगल में डिग्री कितनी है, मतलब इलेक्ट्रिकल डिग्री में इनके बीच का कितना एंगल है। तो इलेक्ट्रिकल डिग्री की बात करूंगा तो कॉइल पिच आ जाएगा, और दोनों के बीच के डिस्टेंस बाय नंबर ऑफ पोल कर दूंगा तो कॉइल स्पान आ जाएगा। तो कॉइल स्पान का फॉर्मूला ये, ठीक है। अब आता है जो डीसी जनरेटर में ईएमएफ पैदा होता है उसका फॉर्मूला क्या है। तो डीसी जनरेटर में जो ईएमएफ पैदा होता है बेटा, उसका फॉर्मूला होता है ईजी इक्वल टू फाइव जेड एन बाय 60 इंटू पी बाय ए। इसको बोलते हैं डीसी जनरेटर में उत्पन्न होने वाले फॉर्मूले को, इसको क्या बोलते हैं? डीसी जनरेटर में कितना ईएमएफ पैदा होगा ये आपके सामने लिखा हुआ है, तो इसको मत याद करो, इसको याद कर लो। अब इसमें क्या क्या चीजें क्या क्या होती है वो बता देता हूँ। फाइ आपको सबको पता है, फ्लक्स पर पोल होता है, जेड होते हैं नंबर ऑफ कंडक्टर्स, एन होती है हमारी यहाँ पर स्पीड जिससे हमारा आर्मेचर घूम रहा है, देन बात करता हूँ पी होता है नंबर ऑफ पोल, और ए होता है हमारे पैरेलल पाथ। अब आती है इसके बाद पैरेलल पाथ के बारे में। तो जब पैरेलल पाथ के बारे में बात आती है तो जरा ये भी बता देता हूँ आपको, पैरेलल पाथ की बात करता हूं तो ये बेसिकली नंबर ऑफ पोल के बराबर होता है लैप वाइंडिंग के लिए। किसके लिए होता है? लैप वाइंडिंग के लिए। लेकिन अगर बात करूं ए इक्वल टू टू होता है, ये बेसिकली हमारा होता है वेव वाइंडिंग के लिए। किसके लिए होता है? वेव वाइंडिंग के लिए। लेकिन अगर आपकी मशीन की वाइंडिंग, अगर आपकी मशीन की वाइंडिंग मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग है, कैसी वाइंडिंग है? मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग है, तो मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग के केस में क्या हो जाता है? ए का वैल्यू जो होता है वो एमपी के बराबर हो जाता है, और हमारा ए का वैल्यू जो है वो बेसिकली 2m के बराबर हो जाता है। क्लियर? अब यहाँ पे m जो है वो क्या कहलाता है? मल्टीप्लेक्स नंबर। m जो होता है हमारा मल्टीप्लेक्स नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? मल्टीप्लेक्स नंबर कहलाता है। दूसरी बात याद रखना, मल्टीप्लेक्स नंबर मतलब आपसे बोल दिया ड्यूप्लेक्स तो आप बोल दोगे कितना? 2। आपको बोल दिया ट्रिप्लेक्स तो आप बोल दोगे 3। सिंप्लेक्स तो आप लोग बोलोगे 1। ये कहलाता है। अब याद रखना यहाँ पे एक लैप वाइंडिंग होती है, ये बेसिकली हमारी लैप वाइंडिंग जो हमारी होती है ये हाई करंट के लिए उपयोग में आती है, हाई करंट के लिए उपयोग में आती है, और लो वोल्टेज के लिए उपयोग में आती है। वेव वाइंडिंग जो होती है वो हमारी बेसिकली हाई वोल्टेज के लिए आती है और लो करंट के लिए आती है। याद रखना इन दोनों वाइंडिंग के अंदर ये वाली वाइंडिंग वो वाइंडिंग होती है जिसमें लॉसेस कम होते हैं, लेस लॉसेस, क्योंकि इसके अंदर करंट कम है, करंट कम है तो आई स्क्वायर आर लॉसेस कम है, आई स्क्वायर आर लॉसेस कम है तो हीट कम पैदा होगी, हीट कम पैदा होगी तो एफिशिएंसी ज्यादा होगी, तो लेस लॉस होता है। इसीलिए लैप वाइंडिंग वहां यूज करते हैं जहां पर परसेंटेज एफिशिएंसी ज्यादा चाहिए हो। जहां पे परसेंटेज एफिशिएंसी आपको ज्यादा चाहिए वहां पे आप वेव वाइंडिंग यूज करोगे, आउटपुट पावर भी क्या होगी? ज्यादा देखने को मिलती है वेव वाउंड के अंदर, ठीक है। चलिए अब आता है कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या होता है।
तो यार डायरेक्टली सवाल पूछता है कंपनसेटिंग वाइंडिंग के बारे में। कंपनसेटिंग वाइंडिंग वो वाइंडिंग होती है जो बेसिकली आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करती है डीसी जनरेटर में। किसको इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करती है? आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को। सर इसको लगाते कहां पर है बता देता हूं। इसको लगाया जाता है यहां पे आपके जो पोल होते हैं, ठीक है, आपका जो पोल का फेस होता है यहीं पर कंपनसेटिंग वाइंडिंग को लगाया जाता है। यहीं पर हम लोग कंपनसेटिंग वाइंडिंग को लगा देते हैं। ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग है और ये वाइंडिंग जो होती है आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में लगती है। डायरेक्टली सवाल पूछता है सीरीज कनेक्टेड होती है आर्मेचर वाइंडिंग के साथ, सीरीज कनेक्टेड विद आर्मेचर वाइंडिंग, तो आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्ट होती है, आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्ट होती है, ध्यान रखिएगा। और इसका एक ही मोटिव है क्लियर, इसका एक ही मोटिव है और वो मोटिव क्या है? क्लियर, प्लेस्ड इन पोल शू, इसका आर्मेचर रिएक्शन को न्यूट्रलाइज करना, ठीक है। चलिए अब एक टर्म होती है कम्यूटेशन। ये कम्यूटेशन क्या चीज है? कम्यूटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो बेसिकली डीसी मशीन में देखने को मिलती है, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी वजह से बहुत बहुत दिक्कतें पैदा होती हैं। उन दिक्कतों से हमें दिक्कत है। पहली बात फिर से बोलता हूँ, कम्यूटेशन के होने से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम्यूटेशन की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं उन प्रॉब्लम से हमें दिक्कत है। जैसे कि कम्यूटेशन की बात करूं तो कम्यूटेशन का मतलब है रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इन आर्मेचर वाइंडिंग। एक आर्मेचर वाइंडिंग में करंट की डायरेक्शन का रिवर्सल होना। सर क्या मतलब है इसका बताता हूं। जब आपकी मशीन पे डीसी जनरेटर में आप लोड नहीं लगाते तो डीसी जनरेटर में केवल एक ही फ्लक्स होता है और वो होता है बेसिकली आपका फील्ड फ्लक्स, राइट राइट। अब जब आप आर्मेचर पे लोड लगा देते हो तो आर्मेचर में एक करंट आ जाता है। जब आर्मेचर में एक करंट आ जाता है तो वो बेसिकली बना देता है आर्मेचर का फ्लक्स। अब ये आर्मेचर का जो फ्लक्स होता है डीसी मशीन में इसका एक ही काम है। क्या काम है? आकर के फील्ड फ्लक्स को खत्म करना। खत्म करना मतलब उसको डीमैग्नेटाइज करना। सिंक्रोनस मशीन के अंदर चाहे जनरेटर हो या मोटर हो हमेशा आर्मेचर फ्लक्स हमेशा मैग्नेटाइज भी करता है, फ्लक्स को डीमैग्नेटाइज भी करता है। अगर हम बात करें तो मैग्नेटाइजेशन भी होता है, डीमैग्नेटाइजेशन भी होता है ना, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन भी होता है, सारी चीजें पॉसिबल होती है अलग अलग पावर फैक्टर पे। बट डीसी मशीन के अंदर का आर्मेचर रिएक्शन का नेचर सिर्फ और सिर्फ कैसा होता है बता देता हूं आपको। यहां पर आर्मेचर रिएक्शन जो होती है, यहां पर बेटा आर्मेचर रिएक्शन जो होती है वो डीमैग्नेटाइज भी होती है और डीमैग्नेटाइज के साथ है ना, डीमैग्नेटाइज के साथ क्रॉस मैग्नेटाइज होता है और कुछ भी नहीं होता। क्रॉस मैग्नेटाइज होता है मतलब मैग्नेटाइज कभी भी नहीं होता। तो यार फ्लक्स को कम करेगा और साथ ही साथ में फ्लक्स की वेवफॉर्म को बिगाड़ने का काम करेगा, ठीक है। चलिए सर मैं आपका बहुत पढ़ाते हो सीधा दिमाग चल जाता है, बहुत बढ़िया। चलिए तो गाइस पढ़ लेते हैं यार, अभी थोड़ा सा चैट रोक लेते हैं क्योंकि फिर उन 50,000 बच्चों में और आप में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, है ना। तो पढ़ लेते हैं तो ज्यादा बेहतर है। यकीन मानो 2 घंटे के अंदर अंदर तुमको एक ऐसी जगह पे ले जाऊंगा जहां तुम सोच भी नहीं सकते थे, है ना। तुमको एक ऐसी जगह पे ले जाऊंगा 2 घंटे में जहां तुम सोच भी नहीं सकते थे। तो पढ़ लेते हैं, थोड़ा इंटरेस्ट जगा लेते हैं, ठीक है, ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना, ये ध्यान रखो, है ना। बाकी जितनी भी कॉमेडी करनी होगी, स्टैंड अप कॉमेडी, खड़ा तो हुई कॉमेडी भी कर दूंगा, उसकी चिंता मत करो, वो अपने आप में बहुत हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी पढ़ लेते हैं ज्यादा बेहतर, एकदम फ्लो में बने हुए हैं तो उस फ्लो को उपयोग में लेके आओ, ठीक है। चलो सो गाइस यहां पे बात करते हैं कम्यूटेशन की। तो कम्यूटेशन क्या होता है जरा मैं आपको समझाता हूँ, रिकॉल करना, ठीक है। सबसे पहले जब आप आर्मेचर के ऊपर लोड लगाते हो तो आर्मेचर का करंट आता है तो आर्मेचर का फ्लक्स आ जाता है। आर्मेचर का फ्लक्स आकर के फील्ड फ्लक्स को निपटाता है। इसकी वजह से क्या होती है, आपकी जो MNA होती है जिसको बोलते हैं जनरेटर के अंदर मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, ये जो MNA होती है वो शिफ्ट हो जाती है। MNA जो होती है वो शिफ्ट हो जाती है। MNA एक्चुअली जो शिफ्ट होती है, सुनते हैं ना, MNA बेटा जो शिफ्ट होती है उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी साउथ पोल के कुछ कंडक्टर्स नॉर्थ पोल के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं और नॉर्थ पोल के कुछ कंडक्टर साउथ पोल के इन्फ्लुएंस में आते हैं। अब जब ये कंडक्टर इधर आ रहे होते हैं, ठीक है, तो इनके अंदर क्या होना चाहिए, करंट को चेंज होना पड़ता है। जब इनके अंदर करंट को चेंज होना पड़ता है इसी को बोलते हैं करंट का रिवर्सल होना। बट आप भी जानते हो कि अगर कभी किसी कॉइल में करंट चेंज होगा, जैसे मान लो 10 एम्पियर से -10 एम्पियर बनेगा, 10 ऐसे जा रहा था ऐसे -10 आएगा, तो चेंज इन रिवर्सल, रिवर्सल करंट की वजह से क्या दिक्कत होगी, रिवर्सल इस करंट के रिवर्सल की वजह से क्या दिक्कत होगी, तो आपको बताना चाहिए DI/DT आ जाएगा। एक पर्टिकुलर टाइम में DI नाम का करंट चेंज हो जाएगा। इससे कि क्या होता है, इन पर्टिकुलर कंडक्टरों में जिसमें करंट चेंज होने वाला है इसमें एक EMF पैदा हो जाता है। उसी EMF को बोला गया था रिएक्टेंस वोल्टेज। क्या बोला गया था? रिएक्टेंस वोल्टेज बोला गया था। अब जब ये EMF पैदा हो जाता है तो ऊपर से उतर के आ जाते हैं कौन, लेंज साहब। लेंज साहब आके बोलते हैं कि मैं इस EMF को अपोज करूंगा, इफेक्ट अपोज द कॉज,
और वो जब इस EMF का अपोज करते हैं तो इस करंट के रिवर्सल में दिक्कत होने लगती है, ये प्रॉपर तरीके से रिवर्सल नहीं हो पाता। जब ये प्रॉपर तरीके से रिवर्सल नहीं हो पाता तो बेटा हमारे ब्रशेस के पास स्पार्किंग होने लगती है जिससे हमारा ब्रश डैमेज हो सकता है। इसी वजह से कंपनसेटिंग कॉइल लगाई जाती है। क्यों? क्योंकि देखो कुल मिला के ये सारी चीजें किससे हुई थी, ये सारी चीजों की जड़ थी आर्मेचर रिएक्शन। अगर ये आर्मेचर रिएक्शन को न्यूट्रलाइज कर देगा तो आप सोचो MNA कभी शिफ्ट नहीं होगी, MNA कभी शिफ्ट नहीं होगी तो आप ये सोचो कोई भी कंडक्टर इधर के उधर और उधर के उधर नहीं आएंगे। जब ऐसा नहीं होगा तो करंट का रिवर्सल नहीं होगा, तो रिएक्टेंस वोल्टेज पैदा नहीं होगा। तो सीधे जड़ को खत्म करने का काम करा किसने, है ना, सीधे जड़ को खत्म करने का काम करा किसने, सीधे जड़ को खत्म करने का काम किया कंपनसेटिंग वाइंडिंग ने। तो आपसे पूछता है पेपर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग कहां लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं। कम्यूटेशन क्या हो गया ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, याद रखिएगा। अब आती है इसके बाद की बात जो पेपर में पूछता है, याद रखना पेपर में पहले के टाइम पे ये जो ब्रश की जो पुराने जमाने का एक मेथड हुआ करता था जिसको बोलते थे ब्रश शिफ्टिंग मेथड, वो मेथड भी आपका क्या करता है कम्यूटेशन को इंप्रूव करने का काम करता है, ठीक है। लेकिन उस मेथड में क्या करना पड़ता था, उनको बार 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 ब्रश शिफ्ट करने पड़ते थे। आज की डेट में हम लोग कंपनसेटिंग वाइंडिंग से काम चला लेते हैं। जब कंपनसेटिंग वाइंडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था तो उसके पहले यही था कि ब्रश की शिफ्टिंग करनी पड़ती थी। अब ये ब्रश की शिफ्टिंग कैसे होती थी बताता हूं मैं आपको। जनरेटर के केस में सुन लेना बेटा, पेपर में यही आएगा, जनरेटर के केस में जिस दिशा में MNA शिफ्ट होती है उसी डायरेक्शन में ब्रश को शिफ्ट किया जाता है। मोटर के केस में जिस डायरेक्शन में MNA शिफ्ट होती है उसके ऑपोजिट ब्रश को शिफ्ट किया जाता है, ये पेपर में आएगा। दूसरी बात, जब जनरेटर के केस में जिस डायरेक्शन में MNA शिफ्ट होती है अगर आप उसी डायरेक्शन में ब्रश को शिफ्ट करो जो कि करना ही है तो आपका जो फ्लक्स होता है, आपका जो EMF होता है जनरेटर में वो कम होने लगता है, डिक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर आपने उल्टे कार्य कर दिए कि आपने जनरेटर में जिधर MNA शिफ्ट हो रही है उधर ही आपको ब्रश शिफ्ट करने चाहिए लेकिन गलती से आपने दूसरी दिशा में ब्रश शिफ्ट कर दिए तो आपका फ्लक्स जो है वो बढ़ जाता है और जनरेटर का EMF बढ़ जाता है। अगर मैं इसके बाद की बात करूं मोटर के केस में जिस दिशा में MNA शिफ्ट होती है उसके अपोजिट दिशा में ब्रश को शिफ्ट करना पड़ता है, अगर उसकी अपोजिट दिशा में ब्रश को शिफ्ट करना पड़ता है तो याद रखना ऐसे केस में स्पीड बढ़ जाती है। लेकिन अगर आपने यहां भी गलती कर दी, जिस दिशा में MNA शिफ्ट हो रही है अगर उसी डायरेक्शन में आपने ब्रश शिफ्ट कर दी मोटर के केस में जो कि नहीं करना चाहिए था तो आपकी स्पीड कम होने लगती है। बस समझ में आया? यस सर। अब कुछ बच्चे मन में ये लगा रहे होंगे बेसिक से पढ़ाओ ना, तो 15 दिन बचे तो बेसिक से कैसे पढ़ेंगे? तो बेसिक तो हो चुका आप सब, अब तो क्या चल रहा है 2 घंटे में पूरा इलेक्ट्रिकल मशीन रिवाइज कराने वाला हूं कि जिन बच्चों का पूरा मशीन आता है, जिन बच्चों ने अपना पूरा मशीन कंप्लीट कर लिया है वो 2 घंटे में रिवाइज कर ले क्योंकि उनसे खुद से 2 घंटे में रिवाइज नहीं होगा। समझ में आ गया? यस सर। चलो नेक्स्ट, अब आती है डीसी जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक आपके सामने अवेलेबल है, यहां से क्या प्रश्न बनते हैं पेपर में जरा सुनिएगा। डीसी जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक की जब मैं बात करूं तो भाई एक होता है ये है नो लोड वोल्टेज और बेटा ये है फुल लोड वोल्टेज। नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज, जिस पर्टिकुलर नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज जो भी अगर जिसका भी सेम है उसको बोलते हैं फ्लैट कंपाउंड जनरेटर। बट नो लोड वोल्टेज अगर ज्यादा है और फुल लोड थोड़ा सा कम हो जाता है इसको बोलते हैं अंडर कंपाउंडेड जनरेटर। क्या बोलते हैं? अंडर कंपाउंडेड जनरेटर। सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो जिसका नो लोड वोल्टेज यहां है और फुल लोड वोल्टेज यहां है इसको बोलते हैं शंट जनरेटर। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक जिसका नो लोड वोल्टेज यहां है बट फुल लोड नो लोड से ज्यादा है उसको बोलते हैं ओवर कंपाउंडेड जनरेटर। और एक और घटिया जनरेटर होता है जिसको बोलते हैं डिफरेंशियल कंपाउंडेड जनरेटर। इसकी कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस प्रकार की देखने को मिलती है, नो लोड वोल्टेज बहुत ज्यादा है लेकिन फुल लोड वोल्टेज बहुत ही कम हो जाता है। इस पूरे के अंदर एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि सबसे बेहतर वोल्टेज रेगुलेशन किसका है, बेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन। अब आप बोलोगे परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? कुछ नहीं भाई, जनरेटेड EMF माइनस टर्मिनल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टर्मिनल वोल्टेज इनटू 100। ये बेसिकली डीसी जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन होता है। बेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन की अगर मैं बात करूंगा तो बेस्ट परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन की मैं बात करूंगा तो ये होता है शंट जनरेटर का। ठीक है, ये पेपर में पूछेगा, देख सकते हो आप लोग नो लोड और फुल लोड के बीच में जो सबसे कम डिफरेंस है वो किसमें, शंट जनरेटर में। कैरेक्टरिस्टिक का नाम पूछता है, ये कैसा कैरेक्टरिस्टिक होता है, स्लाइटली ड्रूपिंग। कैसा होता है? स्लाइटली ड्रूपिंग। स्लाइटली ड्रूपिंग मतलब हल्का सा कम होना, है ना, हल्का सा कम होना, ये यहां से हल्का सा ऐसे करके कम होता है। अब आता है आपसे पूछता है सबसे घटिया वोल्टेज रेगुलेशन किसका है, तो इसमें दो नाम आते हैं। पहला नाम आता है सबसे घटिया में
डिफरेंशियल कंपाउंडेड का, और दूसरा नाम आता है भैया किसका, सीरीज जनरेटर का। तो सीरीज जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसी होती है, नो लोड वोल्टेज यहां मिलता है और फुल लोड वोल्टेज आपको यहां पे मिलता है। ये कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी सी यहां से चालू होती है, नॉट एक्जैक्टली यहां से कैरेक्टरिस्टिक चालू होती है। नो लोड वोल्टेज यहां मिलता है और फुल लोड वोल्टेज यहां मिलता है। तो आप देखोगे नो लोड पे यहां वोल्टेज है, फुल लोड पे यहां पे। तो सबसे घटिया वोल्टेज रेगुलेशन किसका है गाइस, सबसे घटिया वोल्टेज रेगुलेशन है डिफरेंशियल कंपाउंडेड जनरेटर का। बेस्ट वर्स्ट, वर्स्ट मतलब सबसे घटिया, तो वर्स्ट किसका है भाई, डिफरेंशियल कंपाउंडेड का, डिफरेंशियल कंपाउंडेड का। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे सबसे घटिया नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन किसका है, तब आपको बोलना है सीरीज का। क्यों? क्योंकि भाई देखो डिफरेंशियल कंपाउंडेड का जो है वो बेसिकली पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन है, नो लोड पे ज्यादा, फुल लोड पे कम। लेकिन सीरीज का जो है वो बेसिकली नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन है। क्यों? क्योंकि लोड पर वोल्टेज क्या मिल जाता है, ज्यादा देखने को मिलता है। तो बस यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क है और कुछ नहीं है। अब आती है इसके बाद की बात, सर कंपाउंड जनरेटर्स को कहां यूज करते हैं? कंपाउंड जनरेटर्स को यूज किया जाता है गाइस, ये पूछ लेगा डायरेक्टली आपसे, है ना, ट्रांसमिशन लाइन में कंपाउंडिंग के लिए। कहां पे? एचवीडीसी में कंपाउंडिंग के लिए हम लोग इसको प्रेफर करते हैं। शंट जनरेटर को कहां प्रेफर करते हैं? तो शंट जनरेटर को प्रेफर करते हैं बैटरी चार्जिंग में। कहां पे? अगर आपको कहीं पर बैटरी चार्ज करवानी हो तो आप लोग शंट जनरेटर को यूज कर सकते हो। आपसे पूछा जाता है सीरीज जनरेटर को कहां यूज करते हैं, तो सब लोग बताएंगे सीरीज जनरेटर को कहां यूज करोगे। जल्दी बोलो सीरीज जनरेटर को कहां यूज करेंगे, नहीं करेगा धर्मेश भाई, कॉमन कैटर का एग्जाम एसएससी की बात है, 17-18 अक्टूबर के आसपास ऐसा मुझे लगता है। सीरीज जनरेटर को कहां यूज करेंगे, तो कुछ लोग बोलेंगे ट्रैक्शन। मेरे लाल ये मोटर नहीं है, जनरेटर है भाई साहब, ये जनरेटर है, ऐसा मत करो रे, हैं सही में ऐसा लगता है ना, क्या बता दूं मैं, ये जनरेटर है, इसको वोल्ट बूस्ट करने के लिए काम आता है, ये बूस्टिंग के लिए यूज किया जाता है, वोल्टेज बूस्टिंग के लिए यूज किया जाता है सीरीज जनरेटर, याद रखना। अब आता है डिफरेंशियल कंपाउंडेड जनरेटर, ये एक ऐसा जनरेटर है जिसको वेल्डिंग के लिए उपयोग में लाते हैं। किसमें? वेल्डिंग के लिए उपयोग में लाते हैं। तो चारों जनरेटर की मैंने आपको एप्लीकेशन भी बता दी, इनका वोल्टेज रेगुलेशन भी बता दिया। चलिए अब आगे मूव ऑन करते हैं। तो चलिए अब आती है इसके बाद डीसी जनरेटर में कोर लॉस, मैंने आपको कॉपर लॉस मैंने बता दिए हैं। डीसी जनरेटर में कोर लॉस क्या होते हैं, तो कोर लॉस क्या होगा डीसी जनरेटर में, तो बेटा डीसी जनरेटर में कोर लॉसेस वो लॉसेस होते हैं जो लोहे के कोर में होते हैं जनरेटर के, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ आर्मेचर इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो जो आपका आर्मेचर है उसका जो कोर है उसके अंदर जो लॉसेस देखने को मिलेंगे वो आपको डीसी जनरेटर के कोर लॉसेस होंगे। अब आती है फ्रंट पिच और बैक पिच क्या होती है। फ्रंट पिच बेसिकली क्या है, ये डिस्टेंस होता है लास्ट साइड ऑफ फर्स्ट कॉइल एंड फर्स्ट साइड ऑफ सेकंड कॉइल। आप देखोगे यहां पर आपके पास दो कॉइल है, ठीक है, आपके पास बेटा ये दो कॉइल है, अगर ये आपके पास दो कॉइल है ठीक है, तो लास्ट साइड मतलब क्या हो गई भाई साहब, लास्ट साइड मतलब हो गई ये वाली ऑफ द फर्स्ट कॉइल मतलब ये वाली, और फर्स्ट साइड ऑफ द सेकंड कॉइल, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको फ्रंट पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रंट पिच। तो जब आप लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग बनाते हैं तो फ्रंट पिच और बैक पिच का ध्यान रखना पड़ता है। अब अगर हम बात करते हैं बैक पिच की, तो बैक पिच वो डिस्टेंस होता है टू साइड्स ऑफ कॉइल इन बैक ऑफ द आर्मेचर, द डिस्टेंस बिटवीन द टू साइड्स ऑफ अ कॉइल इन बैक ऑफ आर्मेचर। क्लियर? बैक ऑफ आर्मेचर मतलब आर्मेचर के पीछे के दो साइड्स के बीच का डिस्टेंस को बैक पिच बोला जाता है, सिंपल नॉर्मली आपसे ये पूछेगा। अब एक पिच होती है जिसको बोलते हैं कॉइल पिच। कॉइल पिच क्या होती है? द डिस्टेंस मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ आर्मेचर स्लॉट और आर्मेचर कंडक्टर बिटवीन टू साइड्स ऑफ अ कॉइल, मतलब कुल मिला के एक कॉइल है और उस कॉइल के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, कॉइल पिच है, खत्म हो गया, ये कॉइल पिच है। तो एक कॉइल के ही दोनों साइड्स के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है, कॉइल पिच कहलाने लगता है। फिर आता है पोल पिच। पोल पिच क्या होती है? पोल पिच क्या होती है? पोल पिच बेसिकली होती है डिस्टेंस मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ आर्मेचर कंडक्टर बिटवीन टू एडजेसेंट पोल सेंटर। तो भाई दो पोल अगर बन रहा है, एक कहीं पे नॉर्थ पोल बन रहा है किसी कॉइल का, एक साउथ पोल बन रहा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाता है, पोल पिच हो जाता है। अब यहां पर याद रखना, क्लियर, पोल पिच का फॉर्मूला क्या होता है, पैराफेरी ऑफ द आर्मेचर। पैराफेरी ऑफ द आर्मेचर मतलब क्या, पैराफेरी ऑफ द आर्मेचर मतलब क्या, ये आर्मेचर है, ठीक है, ये पूरा सर्कमफेरेंस कितना हो गया इसका, इसका सर्कमफेरेंस हो गया कितना, 2πr, कितना 2πr डिवाइड बाय इसमें नंबर ऑफ पोल कितने, मान लो p, 2 into r कितना होता है, d कितना होता है डायमीटर, डिवाइडेड बाय p, इसको बोलते हैं पोल पिच। तो एक पोल की अपनी पिच क्या हो गई, जितने पोल है उनसे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, बस ये ध्यान रखना है आपको यहां पे। अब आगे मूव करता हूं। अब मैंने जो आर्मेचर रिएक्शन आपको इतनी देर से समझा रहा था उसका क्या मेन मोटिव है उसके ऊपर जरा अपन आते हैं। इधर देखेंगे आर्मेचर रिएक्शन के बारे में। सबसे पहले बेटा अगर मैं आर्मेचर रिएक्शन के बारे में डायग्राम बताऊं आपको, तो डायग्राम आपको यहां पे ये देखने को मिलता है। सबसे पहला डायग्राम जो आर्मेचर रिएक्शन में आपको दिखाया जाता है,
ये आप देखोगे यहाँ पे बढ़िया तरीके से कौन सा फ्लक्स आ रहा है, फील्ड फ्लक्स। कैसा? ये नॉर्थ पोल से आता है साउथ पोल की तरफ। ये बीच में कौन रखे हुए हैं? आर्मेचर के कंडक्टर। जब लोड नहीं लगा रहता तो जीएनए यानी कि ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस और एमएनए यानी कि मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस एक ही जगह पर रहती है। जैसे ही लोड लगाते हो तो आर्मेचर का फ्लक्स आ जाता है। आर्मेचर का फ्लक्स आकर के क्या करता है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो फील्ड फ्लक्स है ना, इसको डिस्टॉर्ट करता है। आर्मेचर का फ्लक्स एक्चुअल में यहाँ लाई करता है। आर्मेचर का जो फ्लक्स होता है वो एक्चुअल में नीचे आके लाई करता है और फील्ड का फ्लक्स इधर जाता है। इस वजह से क्या होता है, एक नया रिजल्टेंट फ्लक्स हमारी मशीन में ऐसा बन जाता है। इस वजह से क्या होती है, रिजल्टेंट फ्लक्स के ही परपेंडिकुलर एक एक्सिस होती है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। तो पहले क्या होता है, फील्ड फ्लक्स हमारा इस डायरेक्शन में रहता है ना, ये ऐसा रहता है, तो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। अब आर्मेचर फ्लक्स हमेशा ऐसा आता है तो वो क्या करता है, फील्ड फ्लक्स को बोलता है चल बे मैं तो ऐसा बना दूंगा रिजल्टेंट फ्लक्स। इसकी वजह से एमएनए को ऐसा शिफ्ट होना पड़ता है। जब एमएनए ऐसे शिफ्ट होती है तो ये जो पहले साउथ पोल के अंदर में कंडक्टर था जैसे ये वाला, वो उधर नॉर्थ पोल के इन्फ्लुएंस में चला जाता है, और पहले जो नॉर्थ पोल के अंदर में ये वाला कंडक्टर था वो इधर साउथ पोल के इन्फ्लुएंस में आ जाता है। तो इन करंट के अंदर क्या, इन पर्टिकुलर कंडक्टर में क्या होता है, करंट का रिवर्सल होना होता है। जब इन कंडक्टरों में करंट का रिवर्सल होना होता है, इसी रिवर्सल ऑफ करंट को क्या बोलते हैं, कम्यूटेशन बोलते हैं। अब जब इनके अंदर रिवर्सल होना पड़ता है तो कम्यूटेशन बोला जाता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? ओके सर। अब जब ये करंट चेंज होता है तो इनके अंदर क्या होता है, फ्लक्स भी चेंज होता है, और फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ पैदा हो जाता है। इक्वल टू ndφ/dt बोलिए या ldi/dt बोलिए। जब ये ईएमएफ आ जाता है, इसी ईएमएफ को रिएक्टेंस वोल्टेज बोलते हैं। लेंस उसको अपोज करता है। इस वजह से पर्टिकुलर इन कंडक्टर्स के अंदर क्या होना चाहिए, इन कंडक्टर्स के अंदर जब लेंस उसको अपोज कर देता है तो इन कंडक्टर में प्रॉपर तरीके से रिवर्सल नहीं हो पाता और ब्रश पे क्या होती है, स्पार्किंग होती है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आप यहाँ पे देखोगे बढ़िया तरीके से एक डीसी जनरेटर के अंदर ये इस तरीके से हमारी फील्ड वाइंडिंग होती है। डायग्राम देख लो, आप लोग को अभी इच्छा हो रही थी बहुत ज्यादा डायग्राम देखने की, तो ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा पोल क्या करता है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग के बारे में डीसी मशीन में मैंने आपको पहले ही रिवाइज करवा दिया। आप देखोगे बेटा ये हमारा होता है फील्ड पोल, ये क्या है, मेन पोल है ये। और बेटा याद रखना ये बीच में आर्मेचर है, और याद रखना एक और ऐसा पोल होते हैं जो हम बनाते हैं, इसको बोलते हैं इंटरपोल्स। क्या बोलते हैं इसको, इंटरपोल बोलते हैं। अब आप बोलोगे इसका क्या काम है, बताता हूँ। एक्चुअली जो काम आपका कंपनसेटिंग वाइंडिंग कर रहा है, क्लियर, वही काम आपका इंटरपोल भी करने का काम करता है, यानी कि इनडायरेक्टली क्या करता है, आर्मेचर रिएक्शन को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। अब एग्जाम में ये पूछता है इंटरपोल वाइंडिंग है, ये मेरे पीछे जो दिख रही है, इसको किसके साथ सीरीज में लगाओगे, इंटरपोल की जो वाइंडिंग है इसको भी सीरीज में लगाया जाता है। किसके साथ, सीरीज में लगाया जाता है किसके साथ बेटा, आर्मेचर की वाइंडिंग के साथ। किसके साथ लगाया जाता है, आर्मेचर की वाइंडिंग के साथ लगाया जाता है। यह ध्यान रखिएगा, बात समझ में आ गई। दूसरी बात, काम इसका भी क्या है, वही काम है, सीधा सीधा रिएक्टेंस वोल्टेज को अपोज करना, सीधा सीधा इनडायरेक्टली बोलो तो आर्मेचर रिएक्शन को न्यूट्रलाइज करने का ही काम है। अब एग्जाम में यहाँ पर एक सवाल और पूछ लिया जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरपोल की ये पोलैरिटी जो है इसको कैसे डिसाइड करी, इंटरपोल की ये जो पोलैरिटी है इसको कैसे डिसाइड किया। तो बेटा इंटरपोल की जो पोलैरिटी है ये किसको कैसे डिसाइड किया, तो याद रखना जनरेटर के केस में इंटरपोल की जो पोलैरिटी है वो ये वो होती है जो पोल इससे जस्ट अहेड है, यानी कि आगे वाला। जैसे आगे वाला कौन है, ये, तो ये जो होता है, मान लीजिए अगर ये साउथ है तो ये भी साउथ होगा, और ये नॉर्थ है तो ये भी नॉर्थ होगा। ऐसा जनरेटर के केस में होता है। लेकिन मोटर के केस में क्या होता है, मोटर के केस में इंटरपोल की पोलैरिटी वो होती है, वो पोल होती है जो उसके पीछे है। पीछे कौन है, नॉर्थ पोल, तो ये नॉर्थ पोल हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहां पर अपन देखते हैं, यस, तो डीसी जनरेटर में वोल्टेज रेगुलेशन जो हमारा होता है वो होता है नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइडेड बाय फुल लोड वोल्टेज। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लॉसेस क्या होते हैं डीसी मशीन में, और यहां से आपके लिए पेपर में डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, मैं आपको बता देता हूं। और ये सवाल कैसे पूछते हैं मैं आपको बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना। बच्चे हमेशा छोड़ के जाते हैं, बच्चे ढंग से पढ़ते नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरा सुनना, है ना। पूरा आपको बता दूंगा लॉसेस के बारे में, बहुत प्यारा सवाल है। ठीक है, सबसे पहले लॉस जो होते हैं डीसी मशीन के अंदर, देखो बेटा मैंने आर्मेचर रिएक्शन पूरा रिवाइज करा दिया है आपको, अभी सारी तरीके की पिचें बता दी हैं क्या होती हैं, ईएमएफ का फॉर्मूला बता दिया है, वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में बता दिया है, किसका बेहतर किसका होता है, पूरे वोल्टेज रेगुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक बता दिया है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या करती है ये बता दिया, इंटरपोल वाइंडिंग क्या करती है ये बता दिया, कौन कहां लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं पैरेलल में लगाते हैं ये बता दिया। ठीक है, बैक पिच बता दी, फ्रंट पिच बता दी, कॉइल पिच बता दी, कॉइल स्पैन बता दिया, पोल पिच बता दी, ये सब मैंने आपको इतनी देर में बता दिया। अब इसके आगे देख एनर्जी के साथ,
इसके आगे देख एनर्जी के साथ, इसके आगे देख एनर्जी के साथ आग लगने वाली है, देख आपसे बोलता है कौन कौन से लॉसेस होते हैं एक डीसी मशीन में। एक डीसी मशीन की बात करता हूं तो एक होता है रोटेशनल लॉस। रोटेशनल लॉस जो बेसिकली हमारा होता है वो तीन तरीके का होता है। पहला होता है फ्रिक्शन लॉस। कौन सा लॉस होता है? फ्रिक्शन लॉस। फ्रिक्शन लॉस में भी दो फ्रिक्शन होते हैं, एक होता है बियरिंग फ्रिक्शन, एक होता है ब्रश फ्रिक्शन। बियरिंग फ्रिक्शन लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होते हैं। ये पेपर में पूछेगा, क्या पूछेगा पेपर में? बियरिंग फ्रिक्शन लॉस स्पीड से रिलेटेड कैसे होता है? बियरिंग फ्रिक्शन लॉस बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है, लेकिन ब्रश फ्रिक्शन लॉस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड स्क्वायर होता है। तांता हो जाएगी पेपर में, यकीन मानो, पढ़ के जाओ, ये पूछ लेगा, हवा निकल जाएगी, मान लो मेरी बात, चलो नहीं मिलेगा कहीं पे, बोल रहा हूं ये। देख लो अच्छे से, बियरिंग फ्रिक्शन लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, ब्रश फ्रिक्शन लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड स्क्वायर। फिर आता है दूसरा विंडेज लॉस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड स्क्वायर। ये सब रोटेशनल लॉस में आते हैं। आयरन लॉस को भी हम रोटेशनल लॉस में लेके चलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एडी करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड स्क्वायर। लेकिन हिस्टेरेसिस लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड स्क्वायर नहीं, क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो यार डीसी मशीन का कोई भी रोटेशनल लॉस का फॉर्मूला आपसे पूछे तो ये चीज याद रखना, सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड स्क्वायर होते हैं, एक्सेप्ट बियरिंग फ्रिक्शन जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है, और एकमात्र हिस्टेरेसिस लॉस जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है। बाकी कॉपर लॉस तो आपको पता ही है, फील्ड वाइंडिंग के कॉपर लॉस और आर्मेचर वाइंडिंग के कॉपर लॉस। नाउ अब आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों ने सुना थोड़ी देर पहले, क्लियर सर? ऐसे वर्ड्स कहां से लेके आते हो, कैसे सर? प्लीज किसी क्लास में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी रिवाइज करा दो, आकाश भाई करवा दूंगा, वेट करो, है ना, करवा दूंगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, बट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मोस्ट प्रोबेबली एसएससी के बाद ही करवा पाऊंगा, क्योंकि उसके पहले नहीं करवा पाऊंगा, बिकॉज एसएससी में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है नहीं, अभी एसएससी का पेपर है, तो इसलिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को एसएससी तक होल्ड करना पड़ेगा, लेकिन वादा करता हूं जैसे ही पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे एसएससी खत्म होगा मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स रिवाइज करा दूंगा, ठीक है? चलिए अब देखो अपन को क्या करना है, मैंने आपको बता दिया दो तरीके के डीसी जनरेटर्स होते हैं। पहला जनरेटर कौन सा है भाई? सेल्फ। दूसरा कौन सा है? सेपरेटली एक्साइटेड। एक हो गया सेपरेटली एक्साइटेड, एक हो गया सेल्फ एक्साइटेड। तो ये भाई अब क्या हुआ, जो सेल्फ वाले होते हैं उनको अपना ईएमएफ पैदा करना होता है, तो कंडीशन क्या होती है? वोल्टेज बिल्टअप की। डायरेक्ट अटैक करता है इस क्वेश्चन के ऊपर। तो एक वोल्टेज बिल्टअप की कंडीशन क्या होती है सेल्फ एक्साइटेड और शंट जनरेटर के अंदर? तो सबसे पहली कंडीशन होती है देयर मस्ट बी, इनके पास थोड़ा सा रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होना चाहिए। इनके पास थोड़ा सा पहले से क्या होना चाहिए? रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होना चाहिए, ठीक है? सर्किट थ्योरी का क्लास अगले वाले वीक में होगा, डोंट वरी। दूसरा क्रिटिकल रेजिस्टेंस जो होना चाहिए फील्ड वाइंडिंग का, तो फील्ड वाइंडिंग का जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस होना चाहिए, फील्ड वाइंडिंग का जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस होना चाहिए है ना, सॉरी, फील्ड वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो क्रिटिकल रेजिस्टेंस से कम होना चाहिए, और जो और रोटर की जो स्पीड होनी चाहिए वो क्रिटिकल स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए। फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर वोल्टेज बिल्टअप चाहते हो, क्लियर, तो तीन कंडीशन याद रखना, फील्ड वाइंडिंग में पहले से थोड़ा फ्लक्स होना चाहिए जिसको रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बोलते हैं, क्रिटिकल फील्ड वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है वो एक पर्टिकुलर क्रिटिकल रेजिस्टेंस से कम होना चाहिए, और जो उसकी स्पीड है वो क्रिटिकल स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो ये देखो मैंने लिखवा भी दिया, क्रिटिकल स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है? इस कर्व को आपको देखने की बिल्कुल भी जरूरत। नेक्स्ट डीसी मोटर के बारे में आप काम करते हैं, अभी तक मैंने जितनी भी बातें करी थी सब जनरेटर के लिए करी थी, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मैंने मोटर के बारे में बोला था, लेकिन अब डिटेल में मोटर के बारे में बोलूंगा। अब आता है डीसी मोटर। डीसी मोटर करती क्या, आपको पता है, इलेक्ट्रिकल पावर को काय में कन्वर्ट करेगी, मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करेगी। अब आता है डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल, क्योंकि देखो यार डीसी मोटर में स्पीड कंट्रोल ही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बाकी टाइप ऑफ डीसी मोटर्स तो वही है, बस करंट की डायरेक्शन चेंज कर देनी होती है ना, और बाकी चीजें मैं बताता हूँ क्या करना होता है लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्पीड कंट्रोल, जहां से सवाल पूछता है। तो एक डीसी मोटर के स्पीड कंट्रोल की अगर मैं बात करूंगा तो तीन मेथड होते हैं। एक होता है इसका फील्ड का फ्लक्स कंट्रोल मेथड, ठीक है, फ्लक्स कंट्रोल है ना, और ये फील्ड का फ्लक्स कंट्रोल मेथड वो मेथड होता है जो आपकी मोटर की स्पीड बिलो बेस स्पीड कंट्रोल करता है। क्या करता है? बिलो बेस स्पीड कंट्रोल करता है, सॉरी, अबव बेस स्पीड कंट्रोल करता है। आपका जो ये है वो क्या करता है? अबव बेस स्पीड स्पीड को कंट्रोल करने का काम करता है। अबव बेस स्पीड स्पीड को कंट्रोल करने का काम करता है कौन? डीसी, कौन सा? फील्ड फ्लक्स कंट्रोल। इसमें फ्लक्स को क्या करते हैं? कम करने के काम करते हैं। फ्लक्स को क्या करता हूं इसमें? रिड्यूस करने का काम करता हूं। तो आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे, मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर, ये है फील्ड फ्लक्स कंट्रोल। ये क्या बेटा? फील्ड फ्लक्स कंट्रोल।
तो फील्ड फ्लक्स कंट्रोल के अंदर क्या होता है, आपकी स्पीड कम होती है। इस मेथड को प्यार से कांस्टेंट पावर मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पावर मेथड बोलते हैं। अब आता है एक दूसरा मेथड। दूसरा मेथड होता है आर्मेचर कंट्रोल। आर्मेचर कंट्रोल मेथड वो मेथड होता है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक आर्मेचर रेजिस्टेंस में एक सीरीज वाइंडिंग के, मतलब एक आर्मेचर रेजिस्टेंस में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं। ये कहलाता है आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल। आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल वो मेथड होता है, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल वो मेथड होता है बेसिकली जिसको आप लोग स्पीड जो है ना बिलो बेस स्पीड के लिए यूज करते हो। आपकी जो स्पीड होती है वो बिलो बेस स्पीड होती है। आपकी जो स्पीड होती है बिलो बेस स्पीड होती है। और अगर आपकी स्पीड जो है वो बिलो बेस स्पीड होगी तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं कांस्टेंट टॉर्क मेथड। क्या बोलते हैं इसको? कांस्टेंट टॉर्क मेथड होता है। और एक तीसरा मेथड होता है जिसको बोलते हैं, तीसरा मेथड होता है जिसको बोलते हैं आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल, जिसमें हम आर्मेचर के वोल्टेज की मदद से स्पीड को कंट्रोल करते हैं। और जब हम आर्मेचर के वोल्टेज की मदद से स्पीड को कंट्रोल करते हैं तो इससे बिलो बेस स्पीड भी कर सकते हैं, अबव बेस स्पीड भी कर सकते हैं। और इसी आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल के ऊपर डिपेंडेंट है कौन? वार्ड लियोनार्ड सिस्टम। वार्ड लियोनार्ड सिस्टम आपका इसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। और जब वार्ड लियोनार्ड सिस्टम आपका इसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ये ध्यान रखिएगा। बट पुराने जमाने में वार्ड लियोनार्ड सिस्टम को स्पीड कंट्रोल के लिए उपयोग में लाते थे, लेकिन ये एक तरीके का बहुत ही घटिया मेथड था। ये इसीलिए घटिया मेथड था क्योंकि इसके अंदर आपको एक मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए एक तो मोटर और एक जनरेटर की भी आवश्यकता होती थी। इसीलिए इस मोटर के अंदर एक्सपेंसिव था, इसलिए इसको आज की डेट में यूज नहीं करते। अब आती बात डीसी मोटर के लॉसेस और डीसी मोटर में कैरेक्टरिस्टिक। तो डीसी मोटर के लॉसेस भी आपको वही जो लॉस सेम थे जनरेटर में वही मोटर में भी होंगे, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं डीसी मोटर की। सबसे पहले डीसी मोटर की कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूं मैं, सीरीज मोटर की। सीरीज मोटर के अंदर आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कैरेक्टरिस्टिक, टोटल कितनी कैरेक्टरिस्टिक बनती है? टोटल हर एक मोटर की 3 बनती है। याद करने का तरीका क्या है? नितिन याद कर लो। क्या याद कर लो? नितिन। नितिन याद करने से क्या होता है बताता हूं। एक बन एन मतलब स्पीड, एक बनेगी स्पीड और करंट के बीच में, एक बनेगी टॉर्क और करंट के बीच में, और बच गया कौन? स्पीड और टॉर्क के बीच में एक बनेगी। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक बनती है। इसको याद करने का तरीका क्या हो गया? नितिन याद हो गया। क्या याद हो गया? नितिन। अबे नितिन, हाँ क्या हो गया? नितिन। चल अब देख डीसी सीरीज मोटर की बात करता हूं। सबसे पहले ये कौन सी मोटर की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा रहा हूं मैं? सीरीज मोटर की। तो सीरीज मोटर की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा रहा हूं। सीरीज मोटर में देखो जरा, ये कैरेक्टरिस्टिक बनती है टॉर्क और आर्मेचर करंट के बीच में, ठीक है। तो टॉर्क जो होता है आर्मेचर करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसी वजह से बेटा इस मशीन के अंदर स्टार्टिंग टॉर्क हाई होती है। स्टार्टिंग टॉर्क जो होती है इसी मोटर के अंदर आपसे पूछा जाता है कौन सी मोटर है जिसकी हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क है। स्टार्टिंग टॉर्क हाईएस्ट देखने को मिलती है किसके अंदर? सीरीज मोटर के अंदर। और हाईएस्ट देखने को मिलती है इसीलिए इस मोटर को कहां यूज किया जाता है? ट्रैक्शन में यूज किया जाता है। और कहां यूज किया जाता है? ट्रैक्शन में। बट सीरीज मोटर के बारे में एक बात बोली जाती है, इसको कभी भी नो लोड पे काम मत करवाना। अगर आप इसको नो लोड पे काम करवाओगे इनफाइनाइटली डेंजरसली हाई स्पीड पकड़ लेगी, इसलिए मत करवाना। तीसरा, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक आर्मेचर करंट और स्पीड के बीच में। स्पीड और आर्मेचर करंट कुछ इस प्रकार का होता है। जब स्पीड और आर्मेचर करंट कुछ इस प्रकार का होता है, इसका मतलब क्या? जैसे जैसे आप लोड बढ़ाते जाओगे स्पीड ड्रास्टिकल रिड्यूस होने लगेगी। इसी वजह से बोलते हैं सबसे घटिया स्पीड, देख रहे हो नो लोड पे इतनी और हाई फुल लोड पे इतनी है। पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन दे, पुअरेस्ट स्पीड रेगुलेशन, पुअरेस्ट स्पीड रेगुलेशन। सबसे घटिया अगर कोई स्पीड रेगुलेशन देता है तो वो कौन देता है? डीसी सीरीज मोटर। इसीलिए अच्छे स्पीड रेगुलेशन की ये बात करते ही नहीं है। दूसरा, स्पीड और टॉर्क के बीच का भी कुछ ऐसा ही कर्व होता है। कभी कभी इस कर्व को भी डायरेक्टली पूछ लेता है कि इस कर्व का शेप क्या है। इस कर्व को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोला जाता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जाता है। ये पूरा का पूरा मैंने डीसी सीरीज मोटर के बारे में बताया। अब चलते हैं शंट मोटर की तरफ। शंट मोटर की तरफ आप जाओगे ना तो आपको मजा आएगा। आप बोलोगे सर मजा कैसे आता है? देखो बताता हूं, मैं आपको बताता हूं मजा कैसे आता है। अगर आप टॉर्क और करंट के बारे में देखोगे तो ये स्ट्रेट लाइन बनाएगा। क्या बनाएगा? एक स्ट्रेट लाइन। तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? आर्मेचर करंट के, ठीक है। लेकिन जब आप देखोगे कि आर्मेचर करंट बढ़ता जाएगा तो इसके अंदर जो स्पीड है ना वो बहुत तेजी से नीचे नहीं गिरती है। इसके अंदर जो स्पीड होती है वो बहुत तेजी से नीचे नहीं गिरती है, बहुत प्यार से नीचे गिरती है ना। तो आप देखोगे इसकी जो स्पीड है नो लोड पे इतनी और फुल लोड पे देखो आप स्पीड कितनी कम है, इतनी कम स्पीड हो जाती है ना, मतलब कम देखने को मिलती है। इसीलिए बोलते हैं बेस्ट स्पीड रेगुलेशन देता है। क्या देता है? बेस्ट स्पीड, बेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन भी यही देता है, बेस्ट स्पीड रेगुलेशन भी यही देता है। कौन? शंट मोटर और शंट जनरेटर। बेस्ट स्पीड रेगुलेशन होता है। इसको यूज कहां करेंगे भाई? इसको यूज करेंगे वहां पर जहां पर आपको है ना
जहां पे समझ लो आपको कांस्टेंट स्पीड्स की एप्लीकेशन हो, मतलब आपको कंटिन्यूअसली लोड बढ़े घटे आपकी स्पीड ऑलमोस्ट कांस्टेंट होनी चाहिए, इसको वहां यूज करते हैं जहां वेरी लो स्पीड पे भी है ना काम कर जाए। एग्जांपल बताता हूँ, लेथ मशीन शंट मोटर यूज होती है, स्टील रोलिंग मिल्स शंट मोटर यूज होती है, ठीक है, कॉन्स्टेंट एप्लीकेशन शंट मोटर यूज होती है, और बहुत सारे तो ब्लोवर्स में भी शंट मोटर लगाते हैं लेथ, ठीक है, याद रखना। और स्पीड और टॉर्क के बीच का कर्व भी ऐसा होता है, कभी कभी पूछ लेता है ये किस तरीके का कर्व है, स्लाइटली ड्रूपिंग, क्या है, स्लाइटली ड्रूपिंग। नाउ अब आती है कंपाउंड मोटर, ठीक है, कंपाउंड मोटर के बारे में बताता हूं। कंपाउंड मोटर की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो शंट और सीरीज के बीच में होती है, कुछ अलग से स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती, लेकिन एग्जाम में पूछता है कंपाउंड मोटर यूज कहां करते हैं, तो भाई साहब मैंने सारे जनरेटरों की एप्लीकेशन बता दी है, मोटर की एप्लीकेशन दोनों की बता दी है, अब मैं कंपाउंड मोटर की एप्लीकेशन बताने जा रहा हूं। दो तरीके की कंपाउंड मोटर होती हैं, एक होती है डिफरेंशियल कंपाउंडेड, एक होता है क्यूमुलेटिव कंपाउंडेड। डिफरेंशियल कंपाउंडेड वो मोटर होती है जिसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग दोनों का जो फ्लक्स होता है एक दूसरे के साथ ऐड हो जाता है, और डिफरेंशियल कंपाउंडेड वो वाइंडिंग होती है जिसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग दोनों का फ्लक्स एक दूसरे को अपोज करता है। तो क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर जो है इसको यूज करा जाता है कहां पे, इसको बेसिकली गाइस हम यूज करते हैं बहुत अच्छी जगह पे, यानी कि कहां पर, जैसे कि हम बात करें शियर एंड पंचेस में, कहां यूज करते हैं, शियर एंड पंचेस में इसको हम लोग यूज करते हैं, एलिवेटर्स में, लिफ्ट्स वगैरह में यूज किया जाता था पुराने टाइम पे। लेकिन जो डिफरेंशियल कंपाउंडेड मोटर है ये दुनिया की सबसे घटिया मोटर है, ये कभी भी किसी भी डायरेक्शन में चालू हो जाती है, जैसे मान लीजिए आप अकेले बैठे और आपके घर में मैं पंखे में डिफरेंशियल कंपाउंडेड मोटर लगा दूं, है ना, तो और अगर आप ऐसे ऊपर देख के सोच रहे हो कि वो कब आएगा और वो कब आएगी और आप पंखे को देख रहे हो, आप यकीन मानो ये मोटर आपको इतना बड़ा धोखा देगी कि चलते चलते में ही आपका अचानक से उल्टा घूमने लग जाएगी, तो आप मुझे बताओ फिर आप सोच पाओगे कि वो कब आएगा कब आएगी, आप यकीन मानो वो रूम छोड़ के भाग जाओगे। बात समझ में आ रही है, तो ये मोटर इस तरीके की कभी भी किसी भी डायरेक्शन में घूम जाती है, चलते चलते दूसरी दिशा पकड़ लेती है, कभी चालू नहीं होती कभी अचानक से चालू हो जाती है, वेरी हाईली अनस्टेबल मोटर, इसलिए इसको प्रैक्टिकली कभी यूज नहीं करते, कौन सी, डिफरेंशियल कंपाउंडेड मोटर। अब एग्जाम में आपसे एक सवाल ये पूछता है मैक्सिमम पावर की कंडीशन क्या है, है ना, मैक्सिमम पावर की कंडीशन क्या होती है, तो मैक्सिमम पावर की कंडीशन की अगर मैं बात करूं, तो मैक्सिमम पावर की अगर मैं कंडीशन की बात करूं, तो हमेशा याद रखना बेटा जनरेटर के केस में अलग है और मोटर के केस में अलग है, ठीक है। तो जनरेटर के केस में मैक्सिमम पावर की कंडीशन क्या होती है, वीटी की जो वैल्यू होती है वो जनरेटेड ईएमएफ डिवाइडेड बाय 2 होती है, और मोटर के केस में जो होता है बैक ईएमएफ जो होता है वो बेसिकली टर्मिनल वोल्टेज डिवाइडेड बाय 2 होता है। ये हमारी जनरेटर और मोटर की मैक्सिमम पावर की कंडीशन है, किसकी कंडीशन है, मैक्सिमम पावर की। जैसे ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम पावर क्या होता है, ट्रांसफार्मर में है ना मैक्सिमम पावर क्या होता है, ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम पावर होता है जब दोनों लॉसेस बराबर हो जाते हैं। अब मैं आपको वोल्टेज इक्वेशन बता रहा हूँ मोटर में, जनरेटर में बता चुका हूँ, ठीक है, मोटर की बताता हूँ। तो मोटर के केस में जो इक्वेशन होती है वो होती है टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू बैक ईएमएफ प्लस आईएआरए, ठीक है, ये याद रखिएगा। और भी कुछ इक्वेशन है, जैसे कि बैक ईएमएफ जो होता है वो क्या होता है, के फाइव ओमेगा, याद रखिएगा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको बताना चाहिए के फाइव आई ए होता है, याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। ईबी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स इनटू ओमेगा होता है, ठीक है, फ्लक्स हमारा कांस्टेंट होता है, ये भी याद रख लीजिएगा। शंट मशीन में, कौन सी मशीन में, शंट के अंदर कांस्टेंट होता है, रिवाइज करा रहा हूं सब, इसी वजह से जो ईबी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड बन जाता है, इसीलिए बोलते हैं कि ईबी वन अपॉन ईबी टू जो होता है वो क्या होता है, एन वन अपॉन या ओमेगा वन अपॉन ओमेगा टू के बराबर बन जाता है, ठीक है, ये शंट में होता है ना। और टॉर्क वन अपॉन टॉर्क टू जो होता है वो बेसिकली क्या बन जाता है, आर्मेचर करंट वन अपॉन आर्मेचर करंट टू बन जाता है। बहुत बढ़िया सर, अब अगर बात करूं सीरीज की, तो सीरीज में ऐसा नहीं होता पापा, सीरीज में क्यों नहीं होता ऐसा, सीरीज में इसलिए ऐसा नहीं होता क्योंकि सीरीज में फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट नहीं होता, तो सीरीज में फ्लक्स कांस्टेंट नहीं होता, फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर्मेचर करंट के। बहुत बढ़िया, इसी वजह से यहाँ पे याद रखना जो बैक ईएमएफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है ना, आईए इनटू ओमेगा हो जाता है, और टॉर्क जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईए रख दो इसके अंदर आईए आईए तो आईए का स्क्वायर हो जाती है। समझ में आ गया क्या, यस सर। तो ये शंट और सीरीज के दोनों फॉर्मूले भी मैंने यूज करा दिए। अब आती है ब्रेकिंग की बात, ब्रेकिंग बहुत ही प्यारी चीज है, तीन तरीके की ब्रेकिंग होती है हमारी मोटर्स में, पहली ब्रेकिंग है रीजनरेटिव ब्रेकिंग, दूसरी होती है हमारी डायनेमिक और रियोस्टेटिक ब्रेकिंग, और तीसरी होती है प्लगिंग। प्लगिंग का सिंपल सा मतलब है ऐसे करके दो वायर को पलटी मार दो, डायनेमिक ब्रेकिंग का मतलब है पलटी मारने के बाद ठीक है, पलटी मारने के बाद आप वहां एक रजिस्टर लगा के छोड़ दो, और रीजनरेटिव ब्रेकिंग होती है कि ब्रेकिंग के दौरान जो हमारी मोटर धीरे धीरे आके रुकेगी तो समझ जाओ वो काम करने लगे जनरेटर की तरह, है ना, और हमको क्या देने लगे, इलेक्ट्रिसिटी देने लगे, तो ये आपकी रीजनरेटिव ब्रेकिंग होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब इस पर्टिकुलर ब्रेकिंग के अंदर इससे ज्यादा कुछ ज्यादा जानकारी पूछी नहीं जाती है, तीनों के बारे में इतना ही पूछा जाता है बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाता, ठीक है। ये तीनों जो ब्रेकिंग मैंने आपको बताई थी, हाँ ये जरूर पूछा जाता है,
ये तीनों ब्रेकिंग जो मैंने आपको बताई थी ये इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग थी। एक और ब्रेकिंग होती है जो इलेक्ट्रिक नहीं होती, मैकेनिकल ब्रेकिंग होती है। मैकेनिकल ब्रेकिंग में क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। मैकेनिकल ब्रेकिंग वो ब्रेकिंग होती है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी से कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। आप फ्रिक्शन की मदद से मोटर को स्टॉप करते हो, किससे? फ्रिक्शन की मदद से मोटर को स्टॉप करते हो। अब डीसी मोटर का प्रिंसिपल मैंने आपको पढ़ा दिया, प्रिंसिपल की आपको जरूरत नहीं है, है ना। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डीसी मोटर पैरेलल ऑपरेशन, ठीक है। डीसी मोटर का पैरेलल ऑपरेशन की बात करता हूं, तो डीसी मोटर को हम जब पैरेलल में ऑपरेट करते हैं तो ये इसलिए ऑपरेट किया जाता है ताकि टोटल पावर बढ़ जाए। जैसे मान लीजिए दो डीसी मोटर या तीन डीसी मोटर्स को पैरेलल में तब ऑपरेट करते हैं जब हमको पावर बढ़ानी हो। फिर आता है पावर फ्लो इन अ डीसी मोटर। तो डीसी मोटर का पावर फ्लो आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल में इनपुट दिया, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, थोड़े से वाइंडिंग लॉसेज हुए, फिर डेवलप्ड पावर मिली, फिर आयरन फ्रिक्शन लॉस हुए और फिर आउटपुट पावर मिली। डीसी मोटर का टॉर्क का इक्वेशन मैंने पढ़ाई दिया आपको, के फाइव आई होता है, ठीक है। अब आते हैं स्टार्टर। यहां से बहुत बार बच्चों से पेपर में सवाल पूछ लिया जाता है, सुनते जाना मेरी बात को। एक होता है टू पॉइंट स्टार्टर, एक होता है थ्री पॉइंट स्टार्टर। टू पॉइंट स्टार्टर वो स्टार्टर है जो बहुत सिंपल होता है और स्मॉल डीसी मोटर्स के लिए यूज किया जाता है। पहले तो बात आती है स्टार्टर्स लगाए क्यों जाते हैं। डीसी मोटर अपने आप में सेल्फ स्टार्टिंग है, लेकिन स्टार्टर इसलिए लगाए जाते हैं ताकि उनकी पर्टिकुलर स्पीड क्या हो जाए, उनका पर्टिकुलर करंट क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। करंट रिड्यूस मतलब मैं बोलूंगा करंट आपका क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए स्टार्टिंग में, क्योंकि करंट बहुत ज्यादा होता है, करीब करीब 7 से 8 गुना ज्यादा होता है फुल लोड करंट। तो एक होता है टू पॉइंट स्टार्टर, छोटी मोटरों में यूज किया जाता है, सिंपल टाइप का है। फिर आता है थ्री पॉइंट स्टार्टर। थ्री पॉइंट स्टार्टर जो होता है ये लार्ज डीसी मोटर में यूज किया जाता है, एक सीरीज ऑफ रेजिस्टर्स यूज करता है ग्रेजुअली, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें, क्लियर, ये इस तरीके का स्टार्टर होता है, आपको यहाँ पे बता देता हूं मैं, ठीक है। यहाँ पर एक पर्टिकुलर ये एनबीसी होती है और एक ओएलसी होती है, दोनों का फुल फॉर्म बताएंगे, व्हाट इज एनबीसी एंड ओएलसी। और आज सेशन में आप लोगों ने लाइक नहीं किया, एक बार दिल से लाइक तो बनता है यार, एक बार दिल से लाइक तो बनता है, 250 क्रॉस तो बनता है जल्दी, एक बार दिल से लाइक तो बनता है, उसके बाद आगे बढ़ा जाए, नहीं गुड। तो एनबीसी का फुल फॉर्म बहुत बार पेपर में पूछा, इसको बोलते हैं नो वोल्ट कॉइल। क्या बोलते हैं? नो वोल्ट कॉइल बोला जाता है। और व्हाट इज ओएलसी? ओएलसी क्या होता है? गुड, ओवरलोड कॉइल। क्या होता है? ओवरलोड कॉइल, खत्म, ठीक है। चलिए, अब फोर पॉइंट स्टार्टर भी होता है, तो फोर पॉइंट स्टार्टर में क्या आ जाता है? तो फोर पॉइंट स्टार्टर में क्या करते हैं, थ्री पॉइंट स्टार्टर का ये मॉडिफाइड फॉर्म है। तो इसमें क्या करते हैं, थ्री पॉइंट स्टार्टर के साथ एक एडिशनल स्विच लगा देते हैं जो सिर्फ फील्ड वाइंडिंग को क्या करता है, डिस्कनेक्ट करता है स्टार्टिंग के दौरान। क्या बोला मैंने? फोर पॉइंट स्टार्टर और थ्री पॉइंट स्टार्टर में कोई डिफरेंस नहीं है। फोर पॉइंट स्टार्टर और थ्री पॉइंट स्टार्टर में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि इसमें एक ऐसा स्विच लगा दिया जाता है, किसमें? थ्री पॉइंट स्टार्टर में, जो क्या करता है, फील्ड वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर देता है स्टार्टिंग के दौरान, ताकि फील्ड वाइंडिंग में होने वाले लॉसेस से मोटर हीट ना हो। बस ये डिफरेंस है थ्री पॉइंट और फोर पॉइंट, ठीक है। अब चलते हैं अपन लोग कहां पे, सिंक्रोनस मशीन पे। कहां पे चलते हैं अपन? सिंक्रोनस मशीन पे। एक बार दिल से बताना बेटा, क्या डीसी मोटर की सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, क्या वो दिल से अच्छे रिवाइज हुई हैं? क्या आप मुझे बताओ, ये एक घंटा हमने जो डीसी मशीन को रिवाइज किया है, चाहे आर्मेचर रिएक्शन मोटर की हो या जनरेटर की हो, ब्रश शिफ्टिंग हो, कंपनसेटिंग वाइंडिंग हो, उसके बाद वाइंडिंग के टाइप हो, ईएमएफ की इक्वेशन हो, मोटर की इक्वेशन हो, उनकी एप्लीकेशन हो, स्टार्टर हो, क्या ये दिल से मुझे बता देना कि क्या ये बेनिफिशियल था? तो अब एक मिनट का मुझे ब्रेक दो, पानी पी लेना दो, क्योंकि अल्टरनेटर में मेरी जान बहुत ज्यादा निकल जाती है और इसमें मैं कैरेक्टर में आ जाता हूं, ठीक है। तो कैरेक्टर में आ जाता हूं मैं, तो एक मिनट का रुकना बस, ठीक है, एक मिनट रुकना बस, हाँ पानी पीने दो, कैरेक्टर में आ जाता हूं मैं इसके अंदर। आपको भी पता है बाल्टी पानी आ जाएगा बीच में भी।
चलिए हो गया, मैच देख लिया है, मैच देख लिया, मैच देख लिया। मैच देख लिया है, मजा आया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया, एकदम इतना मजा आया जितना कभी सोच ही नहीं सकते थे, एकदम इतना मजा आया जितना कभी सोच ही नहीं सकते थे। चलो आ जाओ, एक काम करो, इंडिया पाकिस्तान का ही मैच करा लो, बीसीसीआई को बोल दो कि एक काम करो, 365 दिन 365 दिन इनका ही मैच कराया करो, हम रोज देखेंगे और रोज मजा आएगा हमको, बाकी किसी का मैच हम देखेंगे ही नहीं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया आप लोगों को, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब अपन अपना मैच देख लेते हैं, नहीं तो अपना मैच कोई और खेल जाए। आ जाओ, चलिए सिंक्रोनस मशीन स्टार्ट करते हैं। तो बेटा डीसी मशीन में क्या होता था, आर्मेचर जो होता था, रोटर जो होता था, वो बेसिकली रोटेटिंग होता है, फील्ड सिस्टम स्टेशनरी होता है। लेकिन जब मैं सिंक्रोनस मशीन की बात करता हूं तो सिंक्रोनस मशीन में हमारे पास जो स्टेटर और रोटर होता है, जिसमें हमारा जो स्टेटर होता है वो आर्मेचर होता है और फील्ड सिस्टम हमारा रोटेटिंग नेचर का होता है, ठीक है। चलिए नाउ गाइस, सबसे पहले सिंक्रोनस मोटर के बारे में बात करता हूं। सिंक्रोनस मोटर वो मोटर होती है जो आपको भी पता होनी चाहिए, सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करने का काम होता है। एक ऐसी एसी मोटर है जो सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करती है। स्टेटर वाइंडिंग जो होती है वो बेसिकली क्या और कैसे काम करती है बता देता हूं। सबसे पहले इसका स्टेटर होता है, स्टेटर पे आप थ्री फेज सप्लाई लगाते हो, स्टेटर को ही आर्मेचर बोलते हैं। जब स्टेटर पे आप थ्री फेज सप्लाई लगाते हो तो एक थ्री फेज की मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है जो कि रोटेटिंग इन नेचर होती है। सिमिलरली आप रोटर पे क्या करते हो, डीसी सप्लाई लगाते हो तो रोटर का भी अपना एक फ्लक्स बनता है, बट वो रोटेटिंग नहीं होता है क्योंकि वो कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड का होता है। फिर आप क्या करते हो, फिर आप देखते हो कि आपकी जो रोटर है वो घूम नहीं पाता, इसीलिए बोलते हैं सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। तो शुरुआत में हमें क्या करना पड़ता है सिंक्रोनस मोटर के अंदर, पहले रोटर को एडिशनली एक्सटर्नली हमको क्या करना पड़ता है, घुमाना पड़ता है। जब हम रोटर को एक्सटर्नली घुमा देते हैं तो वो बेसिकली जब घूम जाता है और उसको सिंक्रोनस स्पीड तक लेके जाते हैं, फिर स्टेटर का फ्लक्स और रोटर का फ्लक्स आपस में एक दूसरे को मैग्नेटिकली लॉक कर लेता है, और जब ये दोनों एक दूसरे को मैग्नेटिकली लॉक कर देते हैं तब जाकर के सिंक्रोनस मोटर कंटिन्यूअसली सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करती रहती है, ठीक है, याद रखिएगा। अब आती है इसके बाद की बात, प्रिंसिपल आप सबको पता है, ज्यादा कुछ नहीं, दो तरीके की रोटर होते हैं, एक होता है हमारा सिलेंड्रिकल रोटर टाइप जिसमें स्लॉट्स होता है, वाइंडिंग आती है, और एक होता है सेलियंट पोल टाइप का, ये डम्बू शेप का होता है। तो दो तरीके के रोटर होते हैं। अगर आप देखोगे कि मार्केट में कौन सी पर्टिकुलर है ना, अगर आप देखोगे मार्केट में कौन सी पर्टिकुलर मोटर जो है, अगर आप देखोगे मेजोरिटी मोटर जो है मार्केट के अंदर वो किससे बनी होती है, अगर आप देखोगे मेजोरिटी मोटर्स मार्केट में जो बनी है वो किससे बनी है, वो सेलियंट पोल टाइप से बनी है या सिलेंड्रिकल से बनी है, तो मैं बताऊंगा सेलियंट पोल से बनी है, सिलेंड्रिकल से मोस्टली मोटर्स नहीं बनाई जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पर कि पर्टिकुलर सेलियंट पोल टाइप मोटर के अंदर क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप बेटा मोटर के ऊपर लोड लगाते हो, जब भी आप मोटर के ऊपर लोड लगाते हो तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है आपको पता है, जब भी आप मोटर पर लोड लगाते हो तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जरा मेरी बात को गौर से सुनना, जब भी आप मोटर पर लोड लगाते हो तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, आपको सुनना मेरी बात को, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जैसे ही कभी लोड बढ़ गया तो अचानक से रोटर की शाफ्ट की स्पीड कम हो जाती है, और कभी लोड कम हो गया तो रोटर के शाफ्ट की स्पीड बढ़ जाती है। ऐसी सिचुएशन में स्टेटर के फ्लक्स से कभी रोटर आगे आ जाता है, कभी पीछे आ जाता है, इस फिनोमिना को हंटिंग बोलते हैं, और इस हंटिंग के फिनोमिना को रिड्यूस करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग लगाया जाता है। डैम्पर वाइंडिंग कहाँ लगाई जाती है, तो ये लगाई जाती है बेसिकली, ये जो हमारे पोल दिख रहे हैं ना, इन्हीं पोल्स के अंदर इस तरीके से लगाई जाती है, ये बेसिकली कहलाती है डैम्पर वाइंडिंग। अब डैम्पर वाइंडिंग मैंने आपको बता दिया क्या होता है, क्यों लगाया जाता है डैम्पर वाइंडिंग, लगाया जाता है सेलियंट पोल मोटर के अंदर बेसिकली, या जनरेटर के अंदर बेसिकली, हंटिंग को रिड्यूस करने के लिए। और ये जो ऑसिलेशन का फिनोमिना, इसको क्या बोला जाता है, हंटिंग बोला जाता है। इस ऑसिलेशन के फिनोमिना को क्या बोलते हैं, हंटिंग बोलते हैं। डैम्पर वाइंडिंग के दो काम है, पहला काम तो इसका क्या है, पहला काम सिंपल सा इसका है, आपको बता देता हूँ, पहला काम भैया क्या है, हंटिंग को रिड्यूस करना, और दूसरा काम है मोटर को स्टार्ट करने में भी मदद करना। सिंक्रोनस मोटर की अगर मैं बात करूं तो बेटा इसका स्पीड रेगुलेशन जीरो होता है, क्यों, क्योंकि ये सिंक्रोनस स्पीड से घूमता है, तो स्पीड रेगुलेशन जीरो। दूसरा, स्टार्टिंग टॉर्क जीरो, क्योंकि ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती, नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। तीसरा, अगर हम इसके बारे में बात करें तो स्पीड रेगुलेशन जीरो हो गया, नॉट सेल्फ स्टार्टिंग हो गया,
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद की बात कर लेते हैं। तो अब देखो जरा यार, यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, जैसे कि सबसे पहले होता है पोल पिच। पोल पिच हमेशा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा। पोल पिच हमेशा क्या लेते हैं बेटा, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल लेते हैं सिंक्रोनस मशीन में। तो केवल ये याद रखना है, नो नीड फॉर एनी डायग्राम। अब याद रखिएगा, अगर अगर है ना, अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं बात करता हूं आपसे, अगर आपकी कॉइल, जैसे मान लेता हूं कोई मशीन है, और अगर एक मशीन में मान लेता हूं कि कोई भी फेस की वाइंडिंग, जैसे यहां पर आप बैठे हो, अगर कोई भी फेस की वाइंडिंग स्लॉट नंबर 1 के अंदर जाने वाली थी, और आपको भी पता है कि इलेक्ट्रिकली वो स्लॉट नंबर 7 से बाहर आएगी, इलेक्ट्रिकली वो मान लेता हूं स्लॉट नंबर 7 से बाहर आएगी, इलेक्ट्रिकली मान लेता हूं कि वो स्लॉट नंबर 7 से बाहर आएगी, मान लेता हूं कि कोई कॉइल है किसी फेस की, वो स्लॉट नंबर 1 में जानी थी और 7 से उसको बाहर आना था। इसको बोलते हैं बेटा जाने वाला कंडक्टर और आने वाले कंडक्टर के बीच का इलेक्ट्रिकल एंगल जो होना चाहिए वो 180 डिग्री होना चाहिए। इसी को क्या बोलते हैं पोल पिच। लेकिन अगर मान लो ये बेटा 1 से जाके 7 से ना आकर के अगर ये 6 से बाहर आ जाए या 5 से बाहर आ जाए, तो याद रखना इसको बोलते हैं शॉर्ट पिच वाइंडिंग। क्या बोल देते हैं? शॉर्ट पिच वाइंडिंग। और वो जो शॉर्ट पिच वाइंडिंग है वो क्या है बताता हूं। तो बेटा ये जाने वाला कंडक्टर है और ये आने वाला कंडक्टर है, और याद रखना ये यहां से जाकर के, इसको यहां से निकल के आना था 7 नंबर के स्लॉट से, लेकिन ये थोड़ा पहले ही निकल के आ जाता है, और जब ये थोड़ा पहले ही निकल के आ जाता है तो ये मान लीजिए अल्फा डिग्री से शॉर्ट हो जाता है। अल्फा को बोलते हैं शॉर्ट पिच एंगल। क्या बोलते हैं? शॉर्ट पिच एंगल। क्या बोलते हैं अल्फा को? शॉर्ट पिच एंगल बोलते हैं, और शॉर्ट पिच एंगल अल्फा को बोलते हैं, और 180 माइनस अल्फा को क्या बोलते हैं? कॉइल स्पान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉइल स्पान बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब एक और वाइंडिंग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में क्या अंतर है याद रखिएगा। एक फेस के एक पोल बनाने के लिए, अगर मान लेता हूं, अभी देखो शॉर्ट पिच और फुल पिच वाइंडिंग में आपको बता दिया, फुल पिच का मतलब क्या, जहां से जाना था और जहां से निकल के आना था कंडक्टर को, वहीं से निकल के आया, उसको बोलते हैं फुल पिच वाइंडिंग। ठीक है, ओके। शॉर्ट पिच वाइंडिंग मतलब क्या, जाना कहीं और से था, निकल आए थोड़ी देर पहले से, उसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट पिच वाइंडिंग। तो जब शॉर्ट पिच वाइंडिंग हम लोग करते हैं तो वहां पे कॉइल स्पान आ जाता है 180 माइनस अल्फा। अगर फुल पिच वाइंडिंग होता तो अल्फा जीरो हो जाता और जो कॉइल स्पान है वो 180 डिग्री हो जाता। ठीक है, क्लैरिटी है क्या? यस सर, क्लैरिटी है। अब आती है कंसेंट्रेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। बेटा कंसेंट्रेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में क्या मतलब है बताता हूं। कंसेंट्रेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग क्या होती है वो बताता हूं। कंसेंट्रेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग क्या होती है वो बताता हूं। कंसेंट्रेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग याद रखना, एक फेस के एक पोल का एक ही स्लॉट अगर यूज किया जा रहा है, एक फेस का एक पोल बनाने के लिए वाइंडिंग में अगर एक ही स्लॉट यूज किया जा रहा है, मतलब कि कुल मिलाकर के स्लॉट पर पोल पर फेस की अगर हम बात करें, स्लॉट पर पोल पर फेस, मतलब बेटा एक फेस का एक पोल बनाने के लिए एक ही स्लॉट लगता है, तो याद रखना इस वाइंडिंग को बोलते हैं कंसेंट्रेटेड वाइंडिंग। लेकिन अगर आपने एक से ज्यादा ले लिए स्लॉट पर पोल पर फेस, एक फेस का एक पोल बनाने के लिए आपने एक से ज्यादा स्लॉट ले लिए, तो उसी को बोलने लगते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। क्या बोलने लगते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग बोलने लगते हैं। बहुत बढ़िया। अब देखेंगे आप लोग इस डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग और इस पर्टिकुलर शॉर्ट पिच वाइंडिंग के क्या फायदे क्या नुकसान। याद रखना, जब भी आप लोग शॉर्ट पिच वाइंडिंग करते हो या आप लोग करते हो क्या डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, है ना, जब भी आप शॉर्ट पिच या डिस्ट्रीब्यूटेड करते हो, मशीन का टोटल ईएमएफ कम हो जाता है, और मशीन का जो टोटल ईएमएफ कम होता है वो बेसिकली दो फैक्टर से होता है। इसको बोलते हैं शॉर्ट पिच फैक्टर। क्या बोलते हैं चाचा इसको? शॉर्ट पिच फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? शॉर्ट पिच फैक्टर। और याद रखना इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस अल्फा बाय टू। क्या होता है बेटा? कॉस अल्फा बाय टू। इसी के साथ एक होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूटेड फैक्टर क्या होता है? केडी। केडी क्या होता है हमारा? साइन क्यू बीटा बाय टू डिवाइडेड बाय क्यू साइन बीटा बाय टू। अब अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो जो बीटा होता है हमारा वो 180 डिवाइडेड बाय एम होता है, और एम जो होता है बेसिकली वो स्लॉट पर पोल होता है। क्या होता है? स्लॉट पर पोल होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं क्यू की, तो क्यू बेसिकली क्या होता है? स्लॉट पर पोल पर फेस की वैल्यू होती है। क्या होती है? स्लॉट पर पोल पर फेस का जो वैल्यू होता है वो बेसिकली हमारा क्यू होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को ही ब्रेथ फैक्टर बोलते हैं। ये वो फैक्टर होता है जिससे जो बेसिकली देखने को मिलता है डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में। अगर आपकी वाइंडिंग कंसेंट्रेटेड है, देखो कंसेंट्रेटेड को डिस्ट्रीब्यूटेड से कंपेयर करना है और शॉर्ट पिच को फुल पिच से करना है। अगर आपकी वाइंडिंग कंसेंट्रेटेड है तो याद रखना केडी का वैल्यू 1 है, अगर आपकी वाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूटेड है तो केडी का वैल्यू 1 से कम। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। इस फैक्टर की मदद से आपकी ईएमएफ जो होता है वो बेसिकली कम हो जाता है। सिमिलरली शॉर्ट पिच वाइंडिंग को फुल पिच से कंपेयर करना है,
अगर फुल पिच वाइंडिंग है तो आपका कॉइल स्पान 180 डिग्री है, लेकिन अगर आपने मशीन को शॉर्ट पिच कर दिया तो आपका ईएमएफ कम हो जाएगा इस फैक्टर से, किससे, केपी से। तो फुल पिच वाइंडिंग में केपी का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। अब बात आती है सर फिर क्यों कर रहे हैं ये वाइंडिंग, ये वाइंडिंग करने के पीछे क्या कारण है। नो डाउट डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग और शॉर्ट पिच वाइंडिंग करने के नुकसान क्या है, ईएमएफ कम होना, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा फायदा है गाइस, वो ये है इससे मशीन के हार्मोनिक्स रिड्यूस हो जाते हैं, और हार्मोनिक्स जब रिड्यूस हो जाते हैं तो वेवफॉर्म जो होती है उसका शेप अच्छा हो जाता है, जो आपको जनरेटेड ईएमएफ मिलता है उसका शेप काफी बेहतर हो जाता है, हार्मोनिक्स रिड्यूस हो जाते हैं, कॉपर में सेविंग हो जाती है, मशीन का साइज कम हो जाता है, ये सब हमारे एडवांटेज है, नंबर ऑफ स्लॉट कम काटने पड़ते हैं तो मेहनत कम लगती है, ये सब एडवांटेज है शॉर्ट पिच वाइंडिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के। ठीक है, चलिए तो अब अल्टरनेटर का हमेशा याद रखिएगा, हार्मोनिक्स क्या होते हैं अल्टरनेटर के अंदर जो डिस्टॉर्ट करते हैं, इनको रिड्यूस करने के लिए क्या किया गया है, शॉर्ट पिच वाइंडिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग को किया गया है, इनको रिड्यूस करने के लिए शॉर्ट पिच वाइंडिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग लगाई जाती है। अब अपन चलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन की तरफ, मैं बोलूंगा ना मैंने सिर्फ उन पिन पॉइंट्स पे वर्कआउट किया जहां से सीधा टक से सवाल आ जाता है, कैसे आ जाता है, टक से सवाल आ जाता है, जल्दी करके बताओ सब लोग ऐसे एक बार, एवरीबॉडी जल्दी जल्दी टक से, नहीं आता ऐसे करते, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जल्दी ऐसे ऐसे करके दिखाओ सब लोग, गुड गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गुड। वो वाला नहीं करना है, वो वाला नहीं करना, वो नवाजुद्दीन साहब करते हैं, अपन को टक से करना है, ठीक है, मुंडी भी लानी है, ध्यान रखना, गुड बहुत बढ़िया। चलिए तो अब देखते हैं अपन लोग बेटा वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में बात करते हैं, और इसके बारे में बात करते हैं जनरेटर में क्या होता है। तो नॉर्मली अगर मैं जनरेटर की बात करूं तो जनरेटर में हम लोग क्या करते हैं, सिंक्रोनस जनरेटर की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली टिकट नहीं अभी टिकट को रोक कर रखना है, जब टिकट आएगा तब टिकट करूंगा, अभी टक से करना है, ठीक है। चलिए जो जब जब बोलूंगा टक से तो टक से करना है। सबसे पहले एक कैरेक्टरिस्टिक होती है इसके अंदर जिसको बोलते हैं ओसीसी, ओसीसी कैरेक्टरिस्टिक होती है, इसको क्या बोलते हैं, ओसीसी कैरेक्टरिस्टिक, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। ओसीसी कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली क्या होती है, मैं आपको बताना चाहूंगा, सिंक्रोनस जनरेटर में बेटा फील्ड करंट को कंटिन्यूसली बढ़ाते जाओ और आर्मेचर पे रेटेड ईएमएफ पैदा करते जाओ, एक समय बाद क्या होता है रेटेड ईएमएफ कांस्टेंट हो जाता है। तो कितना वोल्टेज हमको रेटेड मिल सकता है ये जानने के लिए ओसीसी टेस्ट लगाया जाता है। फिर दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या होता है आपको ये पता लगाने के लिए लगाया जाता है, जैसे जैसे आप फील्ड करंट बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आर्मेचर करंट बढ़ता है, और जब आर्मेचर करंट बढ़ने लगता है तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, यहाँ पे कभी भी सैचुरेशन नहीं आता, यहाँ पे कभी भी सैचुरेशन नहीं आता, और जब यहाँ कभी भी सैचुरेशन नहीं आता तो ये आपको क्या पता लगाने में मदद करता है, ये आपको पता लगाने में मदद करता है आर्मेचर करंट की रेटेड वैल्यू, क्या रेटेड वैल्यू। जैसे आप मान लीजिए आपकी दुकान है सिंक्रोनस मशीन की, है मैं आपसे खरीदना है, ओ भैया क्या, जैसे किसकी दुकान है, पयश की, पयश को, पयश एक मेरे को सिंक्रोनस जनरेटर दो, पयश ने ये लो मास्टर, मैंने बोला आर्मेचर करंट रेटेड कितना है इसका, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पयश को सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि अगर मुझे नहीं बताया तो दूसरे की दुकान से खरीद लूंगा, एक दुकान तो है नहीं, बात समझ में आई कि नहीं आई, यस सर, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद अच्छा ये आर्मेचर करंट रेटेड जानने का मोटिव क्या है, भैया सीधी सी बात है, अगर रेटेड आर्मेचर करंट से ज्यादा मशीन में फ्लो करवा दोगे तो वाइंडिंग हीटिंग की वजह से जल जाएगी, इसलिए जानकारी पता होना जरूरी है। अब आता है बेटा, ठीक है अब आता है, क्लियर, अब आता है क्या, इसको तो लीव करो फालतू को बकवास, हाँ एक मिनट, ठीक, अब आता है बेटा वोल्टेज रेगुलेशन को फाइंड करने के मेथड, वोल्टेज रेगुलेशन को, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन को फाइंड करने का एक मेथड। अभी मैंने आपको क्या बताया, जनरेटर में दो चीज होती है, ओसीसी याद रखना क्या होता है और शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक याद रखना। परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन को फाइंड करने के जो मेथड्स है ना वो आप लोगों को दिमाग में होना चाहिए, यहां से न्यूमेरिकल नहीं आता लेकिन थ्योरी आती है। पहला मेथड का नाम है यहां पर जिसको हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनस इंपीडेंस मेथड, पहले मेथड का क्या नाम है यहां पे, सिंक्रोनस इंपीडेंस मेथड, क्या नाम है, सिंक्रोनस इंपीडेंस मेथड। दूसरे मेथड का नाम होता है एमएमएफ मेथड, तीसरे मेथड का नाम क्या होता है ना, जेडपीएफ मेथड, तीसरे मेथड का नाम क्या है बेटा, जेडपीएफ मेथड, चौथे मेथड का नाम क्या है लल्ला, तो चौथे मेथड का नाम होता है एएसए यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन मेथड, और पांचवे मेथड का नाम क्या होता है, नासा यानी कि न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन मेथड। आपसे एग्जाम में पूछता है इंपीडेंस मेथड किसको बोलते हैं, तो इसी को इंपीडेंस मेथड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इंपीडेंस मेथड बोलते हैं। सिमिलरली अगर आपसे कोई बोले रोथर एम्पियर टर्न मेथड क्या है, तो इसका दूसरा नाम है रोथर एम्पियर टर्न, रोथर क्या, रोथर क्या नाम है, रोथर,
हो गया भैया? क्या हो गया भैया? लाइब्रेरी में सर बगल वाली से लड़ाई हो जाएगी, लड़ लो एक दो मिला के टक से। चलो, रोथर एम्पियर टर्न मेथड, रोथर एम्पियर टर्न मेथड, रोथर एम्पियर टर्न मेथड। ZPF को बोलते हैं पोटियर ट्राइंगल मेथड। क्या बोलते हैं? पोटियर ट्राइंगल मेथड। क्या बोलते हैं? पोटियर ट्राइंगल मेथड बोला जाता है। ठीक है, अब देखो एग्जाम में क्या पूछता है, एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में क्या पूछता है, एग्जाम में पूछता है बेस्ट मेथड कौन सा है? ZPF। सबसे एक्यूरेट मेथड कौन सा है? ZPF। दूसरा आपसे एग्जाम में पूछेगा ओल्डेस्ट मेथड कौन सा है? सिंक्रोनस इंपीडेंस। पॉपुलर भी कौन सा हुआ? सिंक्रोनस, क्योंकि ओल्ड इज गोल्ड तो ये भी पॉपुलर हुआ। एग्जाम में पूछता है सबसे पुराना कौन सा है? सिंक्रोनस इंपीडेंस। एग्जाम में पूछता है सबसे घटिया निराशावादी यानी कि पेसिमिस्टिक कौन सा है? सिंक्रोनस इंपीडेंस। एग्जाम में पूछता है ऑप्टिमिस्टिक कौन सा है? MMF। समझ में आ गया? यस सर। तो ये आपसे सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए अब अपन चलते हैं, ये सारे मेथड है जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलो अब आगे मूव ऑन करते हैं बढ़िया तरीके से। अब जो काम की बात आती है उस पर आता हूं, है ना, ये सब काम की बात यहाँ पे नहीं है, है ना। चलिए अब एक चीज होती है यहाँ पर जो आपसे डायरेक्टली पूछी जाती है जिसको बोलते हैं वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व। तो भाई जनरेटर हो या मोटर हो, हमेशा आपसे पेपर में पूछता है वी कर्व का क्या काम है और इन्वर्टेड वी कर्व का क्या काम है। तो याद रख लेना आज से, वी कर्व क्या होता है? वी कर्व बेसिकली बनाया जाता है इस तरीके के शेप का होता है, ये बेसिकली बनाया जाता है, वी कर्व बेसिकली बनाया जाता है। ज्यादा मत देखना तीन तीन क्यों दिख रहे हैं, कोई बात नहीं। वी कर्व बनाया जाता है, पेपर में पूछेगा आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में। और इन्वर्टेड वी कर्व बनाया जाता है किसके केस में? है ना, पावर फैक्टर और फील्ड करंट के बीच में, ये सवाल आपसे पूछता है। ठीक है, चलिए अब देखोगे आप यहाँ पे, ये इन्वर्टेड वी कर्व है, ये देखोगे उल्टा बना दिया। ठीक है, पावर फैक्टर और इसके बीच में। अब याद रखना जिस मोमेंट पे आपको सबसे ज्यादा पावर फैक्टर मिलता है यानी कि यूनिटी, वो बेसिकली उसी समय पर, है ना, उसी समय पर वी कर्व में आर्मेचर करंट की वैल्यू जो होती है वो मिनिमम होती है। क्या होती है? मिनिमम होती है। अब जनरेटर और मोटर में दोनों में अलग अलग बनता है, कैसे बनता बताता हूं। अगर आप जनरेटर हो, आप क्या हो? जनरेटर हो, है ना, आप क्या हो? जनरेटर हो भाई, तू जनरेटर है। कैसे बताता हूं, मैं जनरेटर हूं, ठीक, अभी मैं यूनिटी पावर फैक्टर पे खड़ा हूं, ठीक, मेरा आर्मेचर करंट सबसे मिनिमम है। यूनिटी पावर फैक्टर पे रिएक्टिव पावर क्या होती है? जीरो होती है, ध्यान रखना। अब अगर मान लो किसी ने मेरे फील्ड एक्साइटेशन को कम कर दिया, मतलब समझना मोहित सर का शॉर्टकट यहां से चालू हो जाएगा, मतलब मेरी बाल्टी में पानी कम हो गया, मतलब मेरे एयर गैप में फ्लक्स कम हो गया, तो जनरेटर हूं तो क्या बोलूंगा लोड को? मुझे दे दे, कम हो गया, तो लोड बोलेगा पकड़ ले, तो लोड कैसा हो गया? देने वाला। लोड देने वाला है तो लोड कैसा है? कैपेसिटर है, मतलब लीडिंग पावर फैक्टर पे चले जाएंगे। अगर मैं यूनिटी पावर फैक्टर पे खड़ा हूं, सडनली किसी ने आके मेरा एक्साइटेशन को बढ़ा दिया, तो मैं इधर आ जाऊंगा। अगर मेरे एक्साइटेशन को बढ़ा दिया तो इधर आ गया, तो मेरी बाल्टी में पहले नॉर्मल एक्साइटेड था, पानी सफिशिएंट था, अचानक से बाल्टी भर गई तो ओवरफ्लो हो गया, मैंने बोला लोड ज्यादा हो गया पकड़, तो लोड बोला दे, लोड लेने वाला बन गया। लेने वाला रिएक्टिव पावर कौन? इंडक्टर। तो लेने वाला रिएक्टिव पावर इंडक्टर है, लेने वाला रिएक्टिव पावर क्या है? इंडक्टर है। और अगर लेने वाला रिएक्टिव पावर इंडक्टर है तो ये लैगिंग पावर फैक्टर बनेगा, किसमें? जनरेटर में। ठीक है, सिमिलरली यहां पे भी जनरेटर में इस तरफ लीडिंग, इस तरफ लैगिंग, लेकिन मोटर में लफड़ा उल्टा है। देखो कैसे, मोटर में अगर आप यूनिटी पावर फैक्टर पे काम कर रहे हो तो मोटर का पावर फैक्टर मोटर खुद डिसाइड करती है, मतलब मोटर अभी यूनिटी पावर फैक्टर पे काम कर रही है, मतलब मैं मोटर हूं। अचानक से मेरा एक्साइटेशन कम कर दिया गया, मतलब मेरे अंदर क्या हो गई? कमी हो गई, कमी हो गई, कमी हो गई, क्या हो गई? कमी हो गई। अब जब मेरे अंदर कमी हो गई, मतलब मैं कैसा हो गया? मोटर क्या है? मांगने वाला बन गया। ओए मुझे दे दे, कौन? सप्लाई, सप्लाई से मैं ले रहा हूं। कौन? मैं मतलब कौन? मोटर। और मैं सप्लाई से ले रहा हूं तो मैं आज रिएक्टिव पावर ले रहा हूं, मतलब मैं क्या हूं? इंडक्टर हूं, मतलब मैं इंडक्टर हूं तो लैगिंग पावर फैक्टर। तो इसीलिए जब उधर जाएंगे मोटर में तो लैगिंग आएगा। अब दूसरा सुन, मैं यहां खड़ा हूं, मैं मोटर हूं, अचानक से मेरा एक्साइटेशन बढ़ गया, बाल्टी में पानी बढ़ गया, बाल्टी ओवरफ्लो होने लगी, एयर गैप ज्यादा बढ़ गया, मैं सप्लाई को क्या बोलूंगा? ओए सप्लाई ये ले पकड़, तेरे को दे रहा हूं आज मैं। आज मोटर किसकी जैसा काम कर रही है? रिएक्टिव पावर देने वाले की तरह, मतलब कैपेसिटर की तरह, कैपेसिटर की तरह करेगी, मतलब रिएक्टिव पावर देगी और कैपेसिटर की तरह काम करेगी, तो इधर आओगे तो लीडिंग हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। दिस इज वी कर्व एंड इन्वर्टेड वी कर्व। ठीक है, ये कहा हमारा वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व। अब मोहित सर का शॉर्टकट चलाएगा पूरा मशीन के ऑपरेशन के ऊपर। 5 मिनट तक कंटिन्यूअसली बोलता रहूंगा, 5 मिनट तक कान खोल के कंटिन्यूअसली सुनता रहना,
टोटल आपको मैं सिखाऊंगा कितने केसेस, टोटल आपको मैं है ना 12 केसेस पढ़ाने वाला हूं मशीन का ग्रिड कनेक्टेड ऑपरेशन पे, कितने ग्रिड कनेक्टेड ऑपरेशन पे मशीन के बताने वाला हूं, ठीक है जल्दी से। तो एक बार बढ़िया तरीके से सेशन को लाइक कर देंगे और फिर सुनेंगे 10 मिनट तक की मेरी पूरी कहानी। मैम अगर ये क्लास देखेंगे तो उनको मजा आ जाएगा, और अगर मैम ऐसे क्लास ना देख के नॉर्मली देख लेंगी तो मजा नहीं आएगा है? टक से, बहुत बढ़िया टक से याद रखना बस है ना। तो अब देखो तुमको टक से कैसे मजा आता है, ठीक है चलो अब देखो टक से कैसे मजा करते हैं, सुन मेरी बात। सवाल पेपर में क्या आएगा, कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं लगानी, कोई रिएक्टिव पावर की इक्वेशन नहीं लगानी, कोई धन फन 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 कुछ नहीं, जो ये दुनिया पढ़ती है वो अपनी जगह रख लो। क्या सिंक्रोनस मशीन के केस में दुनिया यहाँ पे वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व की मदद से क्वेश्चन सॉल्व करती है जिसमें समय लगता है, दो किताबों में लिखा है इसकी मदद से मैथमेटिकल इक्वेशन होती है EFVT by XS sin del, clear? और VT by XS EF cos del minus VT से उससे करती है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अब मेरा शॉर्टकट सुन मेरी बात को बेटा, मेरा शॉर्टकट क्या बोलता है, जनरेटर का पावर फैक्टर डिसाइड करता है लोड, कौन करता है लोड, अगर लोड लीडिंग है तो पावर फैक्टर लीडिंग है, लोड लैगिंग है तो पावर फैक्टर लैगिंग है, लोड यूनिटी है तो पावर फैक्टर यूनिटी है। और मोटर का पावर फैक्टर डिसाइड करती है खुद मोटर, मोटर चाहे तो अपने आप को लैगिंग की तरह काम करवा सकती है, लीडिंग की तरह काम करवा सकती है, यूनिटी की तरह काम करवा सकती है। पहला शॉर्टकट का रूल नियम यह। दूसरा, इंडक्टर हमेशा रिएक्टिव पावर लेता है, कैपेसिटर देता है, ये रूल था। दूसरा, कोई भी जनरेटर और मोटर हमेशा तभी प्रॉपर काम करेगी, कोई भी इंडक्शन कोई भी सिंक्रोनस मोटर या जनरेटर तभी प्रॉपर काम करेगी जब उसकी बाल्टी जिसको मैं बोलता हूँ एयर गैप और उसकी बाल्टी का पानी जिसको मैं बोलता हूँ फील्ड फ्लक्स वो उसमें कांस्टेंट रहना चाहिए, कमी होगी तो मांग लेगी, ज्यादा होगा तो दे देगी। यहां तक का शॉर्टकट समझ में आ गया, ये तीन रूल पे अपन पूरे सिंक्रोनस मशीन को खत्म करने जा रहे हैं। सबसे पहला केस, एक सिंक्रोनस जनरेटर ग्रिड से कनेक्टेड है, पहले जनरेटर के बारे में समझाऊंगा फिर मोटर के बारे में। एक सिंक्रोनस जनरेटर ग्रिड से कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, ग्रिड से कनेक्टेड है, ठीक है, और इनिशियली अभी वो यूनिटी पावर फैक्टर पे काम करता है, सडनली आके किसी ने उसके एक्साइटेशन को बढ़ा दिया तो क्या होगा। तो मेरी बात को जरा सुनना, अगर सडनली अभी मैं जनरेटर हूं, मैं ग्रिड से कनेक्टेड हूं और अचानक से आके अभी मैं ग्रिड से कनेक्टेड हूं, तो आप मुझे बताओ अगर मैं ग्रिड से कनेक्टेड हूं और इनिशियली मैं यूनिटी पावर फैक्टर पे काम कर रहा हूं तो इसका मतलब ना तो मैं ग्रिड को रिएक्टिव पावर दूंगा ना मैं ग्रिड को रिएक्टिव पावर लूंगा। सडनली आके किसी ने मेरे एक्साइटेशन को बढ़ा दिया मतलब मेरी बाल्टी में पानी ज्यादा कर दिया तो मैं क्या करूंगा, ग्रिड को फेंकने लग जाऊंगा, तो मेरा नेचर कैसा हो गया, कैपेसिटिव, मेरा नेचर कैपेसिटिव हो गया, मतलब अब मैं किस पे काम करने लगा, लीडिंग पावर फैक्टर पे, मैं लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करने लगा, ग्रिड को रिएक्टिव पावर देने लगा, मतलब मैं क्या बन गया, ओवर एक्साइटेड जनरेटर बन गया, क्या बन गया, ओवर एक्साइटेड जनरेटर बन गया, ज्यादा मतलब ओवर, कम मतलब अंडर, ठीक है, ओवर एक्साइटेड जनरेटर बन गया, रिएक्टिव पावर क्या हो गई, बढ़ गई, रिएक्टिव पावर बढ़ गई तो समझ जाना उसी समय बोल देना क्वेश्चन को, ओए रिएक्टिव पावर बढ़ गई तो आर्मेचर करंट बढ़ गया, बात खत्म। और साला आर्मेचर करंट जब जब बढ़ता है तो पावर फैक्टर घट जाता है, पेपर में यही पूछेगा क्या बढ़ेगा क्या घटेगा, तो बोलना रिएक्टिव पावर बढ़ गई चाचा, आर्मेचर करंट बढ़ गया, आर्मेचर करंट बढ़ गया तो पावर फैक्टर कम हो गया, ठीक। चलिए अब मान लेता हूं जनरेटर थोड़ी देर के लिए लैगिंग पावर फैक्टर पे काम कर रहा था इनिशियली, और अब आपने एक्साइटेशन बढ़ा दिया तो इनिशियल पावर फैक्टर जनरेटर का क्या है, लैगिंग। लैगिंग मतलब क्या है, आज उसके ऊपर जो लोड है यानी कि जो ग्रिड है वो कैसी है, लैगिंग मतलब वो किस तरह काम कर रही है, इंडक्टर की तरह, तो उसको क्या चाहिए, रिएक्टिव पावर, और मेरा काम क्या है, इनिशियली उसको रिएक्टिव पावर देना, तो मैं पहले से उसको रिएक्टिव पावर दे रहा था, मैं पहले से उसको रिएक्टिव पावर देता था, अब किसी ने आके मेरे एक्साइटेशन को बढ़ा दिया तो मैं और देने लग जाऊंगा, ये ले भाई और पकड़ और पकड़ और बढ़ाओ और लो और पकड़ो, तो रिएक्टिव पावर और बढ़ती जाएगी, रिएक्टिव पावर और बढ़ती जाएगी तो आर्मेचर करंट बढ़ेगा, पावर फैक्टर कम होता जाएगा। अब इनिशियली मैं मान लो लीडिंग पावर फैक्टर पे काम कर रहा था, मतलब मैं क्या कर रहा था, रिएक्टिव पावर ले रहा था, क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मेरे अंदर कमी है, मेरी बाल्टी में पानी कम है तो ग्रिड से रिएक्टिव पावर ले रहा हूं, तो मैं लीडिंग पावर फैक्टर पे काम कर रहा हूं। मान लो इनिशियली किसी ने आके मेरा एक्साइटेशन बढ़ा दिया तो मेरी बाल्टी का पानी बढ़ गया, मैं खुश हो गया, ओए ग्रेट चुप अब मत दे, और बढ़ गया, ओए ग्रेट कम कर दे, और बढ़ गया, ओए ग्रेट कम कर दे, तो ग्रिड ने रिएक्टिव पावर मुझे देना कम कर दी, तो रिएक्टिव पावर क्या हो गई, कम हो गई, रिएक्टिव पावर कम हो गई मतलब आर्मेचर करंट कम हो गया, मतलब पावर फैक्टर बढ़ गया, समझ में आ गया। तो बस रिएक्टिव पावर के कॉन्सेप्ट पे लगा लो, आर्मेचर करंट और पावर फैक्टर अपने आप डायरेक्टली लग जाएंगे, ये शॉर्टकट था, कैसा लगा बोल कैसा लगा, जल्दी बोल, कर दोगे डायरेक्ट 3 सेकंड में, आधे तो अपने में लगे हुए हैं, ये वो
गुड, अब मोटर के केस में देख लेते हैं। मान ले मैं मोटर हूं, ग्रिड से कनेक्टेड हूं, यूनिटी पावर फैक्टर पे काम कर रहा हूं, ठीक है, तो ना तो मैं रिएक्टिव पावर दे रहा हूं ना ले रहा हूं, किसी ने आके एक्साइटेशन बढ़ा दिया तो एक्साइटेशन बढ़ गया तो ओवर एक्साइटेड बन गया, तो आज मोटर कैसी बन गई, देने वाली, मतलब देने वाला कौन होता है, कैपेसिटर, तो मोटर का पावर फैक्टर लीडिंग हो जाएगा, रिएक्टिव पावर बढ़ जाएगी तो आर्मेचर करंट बढ़ जाएगा तो पावर फैक्टर कम हो जाएगा। अब मान ले मैं मोटर हूं, मैं इनिशियली लैगिंग पावर फैक्टर पे काम कर रहा हूं, लैगिंग मतलब क्या, लैगिंग का मतलब मैं इंडक्टर की तरह काम कर रहा हूं मतलब क्या, मैं रिएक्टिव पावर ले रहा हूं किससे, ग्रिड से, किसी ने आके मेरा एक्साइटेशन बढ़ा दिया तो मैं ग्रिड को बोलूंगा ओए कम कर, और बढ़ाए ओए कम कर, अब मैं रिएक्टिव पावर उससे कम लेना चालू कर दूंगा, तो रिएक्टिव पावर घट जाएगी, और रिएक्टिव पावर घट जाएगी तो आर्मेचर करंट घट जाएगा तो पावर फैक्टर वापस से बढ़ जाएगा। तीसरा, मान लो मैं मोटर हूं और इनिशियल पावर फैक्टर मेरा लीडिंग है, मतलब मैं कैपेसिटर की तरह काम कर रहा हूं, रिएक्टिव पावर ग्रिड को दे रहा हूं, अचानक से आके किसी ने मेरे एक्साइटेशन को बढ़ा दिया तो मैं और देने लग जाऊं, और पकड़, तो रिएक्टिव पावर बढ़ जाएगी, तो आर्मेचर करंट बढ़ जाएगा तो पावर फैक्टर कम हो जाएगा। समझे? तो ये मोटर का एक्साइटेशन बढ़ने का और ये मोटर का एक्साइटेशन घटने का। अब एक शॉर्टकट बताता हूं, एक और, जब भी जिंदगी में कोई बोले, चाहे जनरेटर हो या मोटर हो, अगर एक्साइटेशन बढ़ा तो समझना लोड एंगल कम हो जाता है, चाहे जनरेटर हो या मोटर हो, और एक्साइटेशन कम हुआ तो लोड एंगल बढ़ जाता है। चार ही चीज पूछता है पेपर में, लोड एंगल के बारे में, पावर फैक्टर के बारे में, आर्मेचर करंट के बारे में, और रिएक्टिव पावर के बारे में। तो रिएक्टिव पावर पहचानना तो मैंने उनको सिखा दिया, लेने देने वाला, अगर रिएक्टिव पावर बढ़ी तो समझ जाओ आर्मेचर करंट बढ़ गया, आर्मेचर करंट बढ़ गया तो पावर फैक्टर कम हो गया, चाहे जनरेटर हो या मोटर हो। दूसरी बात, लोड एंगल के बारे में अभी एक शॉर्टकट बता देता हूं, अगर एक्साइटेशन बढ़ा तो लोड एंगल कम हो जाता है, एक्साइटेशन कम हुआ तो लोड एंगल बढ़ जाता है, खत्म, गेम इज ओवर। ठीक है, तो ये हमारा सिंक्रोनस मशीन था, है ना। अब इसमें मेरे को कुछ चीजें बतानी थी आपको, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, है ना, एक्टिव पावर का जो फॉर्मूला होता है सिंक्रोनस मशीन में, वो होता है बेसिकली बेटा EF VT by XS sin del। ये एक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है सिंक्रोनस मशीन में, इसको याद रख लेना। रिएक्टिव पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है VT by XS EF cos del minus VT। डायरेक्टली आपसे कोई पूछ सकता है ना, डायरेक्टली आपसे कोई पूछ सकता है, तो ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। बट ये फॉर्मूला किसके लिए होता है, जनरेटर के लिए होता है। मोटर के केस में फॉर्मूला बदल जाता है थोड़ा सा, तो क्या हो जाता है, VT by XS VT minus EF cos del हो जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाता है मोटर के केस में। बस ये दो फॉर्मूले याद करना, जिंदगी भर के लिए याद रहेगा। ठीक है, KPKD बताया, वहां से एक क्वेश्चन आता है। ग्रिड कनेक्टेड ऑपरेशन बताया, वहां से एक क्वेश्चन आता है। V curve inverted, यहां से एक क्वेश्चन बनता है। PF, P और V का फॉर्मूले पूछ लेते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा और सिंक्रोनस मशीन में आर्मेचर रिएक्शन के बारे में जानना चाहते हो सिंक्रोनस मशीन में, तो आर्मेचर रिएक्शन के बारे में भी शॉर्टकट बता देता हूँ। कल को मान लो आपसे आर्मेचर रिएक्शन पूछ ले, तो आर्मेचर रिएक्शन का शॉर्टकट क्या, जरा सुनना। मान लो मैं जनरेटर हूं और मान लो मेरे ऊपर आपने यूनिटी, आपने रेजिस्टिव लोड लगा दिया, तो मैं कौन से पावर फैक्टर पे काम कर रहा हूँ, यूनिटी पे। तो आप मुझे बताओ, क्या लोड मुझे रिएक्टिव पावर दे सकता है, नहीं। क्या मैं लोड से ले सकता हूँ, नहीं। क्या मैं लोड को दूंगा, नहीं, क्योंकि रजिस्टर है, रजिस्टर ना देता है ना लेता है। इसका मतलब आज मेरी बाल्टी में पानी सफिशिएंट है, मतलब मैं नॉर्मल एक्साइटेड हूं। ठीक है, उसके बाद जनरेटर के बारे में देखो। अगर मान लो मेरे ऊपर आपने इंडक्टर लगा दिया, मतलब कैसा लोड लगा दिया, लैगिंग, तो उसको क्या चाहिए होगी, रिएक्टिव पावर। तो मेरा फर्ज बनता है मैं उसको क्या दूंगा, रिएक्टिव पावर। मैंने बोलूंगा ये ले। अब मैं दे क्यों रहा हूं उसको, क्योंकि मेरे पास ज्यादा है। क्लियर? मतलब मैं क्या हूं, ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस जनरेटर। तीसरा पूछेगा, मान लो जनरेटर पे कैपेसिटर लगा दिया, तो कैपेसिटर मुझे रिएक्टिव पावर देगा, तो मैं क्या करूंगा, उससे लूंगा। मैं ले क्यों रहा हूं, क्योंकि मेरे अंदर कमी होगी, मतलब मेरे अंदर रिएक्टिव पावर कम है, इसका मतलब अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस जनरेटर। तीसरा, अब चलते हैं मोटर की तरफ। मैं मोटर हूं, मान लो मोटर अपना पावर फैक्टर खुद डिसाइड करती है। अगर मैं आज यूनिटी पावर फैक्टर की तरह काम कर रहा हूं, मतलब मैं अपने आप को रजिस्टर मानता हूं, ना मैं रिएक्टिव पावर सप्लाई को दे सकता हूं, ना मैं सप्लाई से रिएक्टिव पावर ले सकता हूं, मतलब मैं यूनिटी पावर फैक्टर पे अपने आप को वर्क करवा रहा हूं। अगर मैं अपने आप को यूनिटी पावर फैक्टर पे वर्क करवा रहा हूं, इसका मतलब सिंपल सा एक ही है, क्या मैं नॉर्मल एक्साइटेड हूं। अब मान लो थोड़ी देर के लिए कि आज मैं लैगिंग पावर फैक्टर की तरह काम करता हूं। अगर मोटर एक लैगिंग पावर फैक्टर की तरह काम करती है, इसका मतलब क्या कि मेरे अंदर कुछ कमी है, मैं लैगिंग पावर फैक्टर की तरह काम करता हूं, इसका मतलब क्या, मुझे रिएक्टिव पावर चाहिए। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि इंडक्टर को चाहिए, मुझे रिएक्टिव पावर चाहिए, मतलब मेरे अंदर कमी है। तो मैं क्या बोलूंगा अपने आप को, अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर। अगर आज मैं अपने आप को कैपेसिटिव की तरह, आज मैं अपने आप को लीडिंग पावर फैक्टर पर अगर काम करवाता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा,
कि अगर मैं अपने आप को एक लीडिंग पावर फैक्टर की तरह काम करवाता हूं तो मैं क्या हूं, सिंक्रोनस मोटर जो लीडिंग पावर फैक्टर की तरह काम कर रही है, मतलब मैं आज अपने आप को कैपेसिटर की तरह ट्रीट करूंगा, मैं अपने आप को कैपेसिटर की तरह ट्रीट करूंगा, इसका मतलब कि मैं पावर दूंगा सप्लाई को, मतलब मेरे पास क्या है, ज्यादा है मतलब मेरी बाल्टी में पानी ज्यादा है, मेरे एयर गैप में फ्लक्स ज्यादा है, इसको बोलते हैं ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर, और इसी को यूज किया जाता है पावर फैक्टर के इंप्रूवमेंट। समझे? चलिए बहुत बढ़िया। तो बेटा आपको इतना बड़ा चीज दे दिया है ना मैंने, है ना, पूरा सिंक्रोनस मशीन जो है वो शॉर्ट फॉर्म से रिवाइज करवा दिया। जिन लोगों ने सिंक्रोनस मशीन पहले पढ़ा होगा उनको ये चीज पता होगा कि सर पी और वी और वी कर्व, इन्वर्टेड वी कर्व और एक्साइटेशन बढ़ाना घटाना ये मैथमेटिकल से समझ में नहीं आता था, ये पूरा शॉर्टकट बता दिया, पूरा शॉर्टकट। समझे? तो आज मैंने आप लोगों को भाई रिवाइज करवाया पूरा सिंक्रोनस मशीन और डीसी मशीन, ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे उन सारे को मैंने रिवाइज करवाया, क्लियर है ना, पूरे रिवाइज कराया, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ट्रांसफॉर्मर और इंडक्शन उसको अपन लोग एक और नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे, और स्पेशल मशीन, ठीक है, उनको अपन एक नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे तो उनको भी मैं आपको पूरी तरीके से करवा दूंगा, ठीक है, चिंता मत करो, क्लियर। चलिए अब एक बार दिल से सभी बच्चे बेटा सेशन को लाइक जरूर कर देना, अगर आपने लाइक नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मैं बोलता हूं आज हमारा रिवीजन सेशन था, और रिवीजन सेशन तब होता है जब आपको पहले से चीजें आती हैं। सिंक्रोनस मशीन किताबों में अलग तरीके से लिखा हुआ है, बच्चों को दिक्कत होती है, अलग तरीके से लोग पढ़ाते हैं, बच्चों को दिक्कत होती है, कैलकुलेशन ज्यादा लगती है, इसलिए मैंने आपको पूरे शॉर्टकट्स बता दिए, जो शॉर्टकट एक्चुअल में लगते हैं, पूरे शॉर्टकट एक्चुअल में लगते हैं वो पूरे के पूरे शॉर्टकट मैंने आपको बता दिए। क्लियरिटी है? यस सर। अब एक बार दिल से आप लोगों को एक काम ये करना है, कल आप लोगों में से काफी बच्चों ने नीचे कमेंट किया था, आज भी एक बार कमेंट जरूर करके जाइएगा, और आज तो आपके कम से कम 100 कमेंट्स बनते हैं, तो वीडियो के नीचे 100 कमेंट्स आज मेरे को देखने को मिलने चाहिए, ठीक है, सारे वीडियो के नीचे कम से कम 100 कमेंट्स बनने चाहिए, ध्यान रखना, क्लियर। चलिए धर्मेंद्र भाई, हर सैटरडे संडे मैराथन होती है बेटा, चिंता मत कर। चलिए अब मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल दे देता हूँ सभी बच्चों को, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, और जितनी चीजें मैंने पढ़ाई है ना बेटा, इसी को मैं जब कोर्स में पढ़ाता हूँ, जो बच्चे कोर्स में पढ़े हुए उनको पता होगा कि यही सारी चीजें कम से कम 40-50 घंटे तक पढ़ाई जाती है ना, तो 40-50 घंटे तक ये चीज पढ़ाई जाती है, तो वहां पर हम इसको आराम से धीरे धीरे पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर हमने उसको क्या करने की कोशिश करी, प्रॉपर रिविजन करने की कोशिश करी, प्रॉपर मैंने आपको रिवाइज करवाने की कोशिश करी। दो मशीन को मैंने अपने हद तक रिवाइज आपको करवाया, जिन बच्चों ने पहले मशीन पढ़े होंगे दोनों सब्जेक्ट, वो बहुत बेहतर तरीके से इसको रिवाइज कर पाएंगे, अदरवाइज तो पूरा मशीन पढ़ने में 90 घंटे लगते, 90 घंटे का मतलब अगर मैं रोज 2 घंटे भी पढ़ाने जाऊंगा तो 45 दिन लगेंगे। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा बढ़िया तरीके से टेलीग्राम चैनल, यहीं पर आपको पीडीएफ मिलेगी, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और बेटा इस वीडियो के नीचे जब आप डिस्क्रिप्शन में आओगे ना, तो आपको यहाँ मिलेगा एजेई इलेक्ट्रिकल, 23 तारीख से पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। एसएससी का लाइव बैच चली रहा है, फाउंडेशन बैच चली रहा है, नॉन टेक का लाइव बैच चली रहा है, रिकॉर्डेड बैचेस अवेलेबल है, सब कुछ एक ही सब्सक्रिप्शन में मिलता है 6 महीने तक। मेरी पर्सनल मेंटरशिप के साथ निम्बस लर्निंग इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टीट्यूट के बैच कॉन्टेंट टीचर, हर एक एग्जाम की टेस्ट सीरीज, और जन अगर हम बात करें तो 6 महीने के लिए इसका प्राइस 4619 होता है, लेकिन ये प्राइस भी इसका कम हो जाता है अगर आप लोग टेस्ट बुक का यूनिवर्सल कूपन कोड यहाँ पे लगाते हो, और टेस्ट बुक का यूनिवर्सल कूपन कोड है मोहित के, जब आप मोहित के अप्लाई करोगे तो तुरंत इसकी प्राइस सबसे ज्यादा कम हो जाएगी, और फाइनल प्राइस इसकी 4289 हो जाएगी, जहां पर ये सारी चीजों को आप बहुत बेहतर तरीके से डिटेल में अपना डिस्कशन करोगे। क्लैरिटी है क्या? मौसम बना दिया आपने, जैसा सोचा था उससे कहीं ऊपर था आज का लेक्चर, क्या बात है, सौदेबाजियां। AI कॉमन कैडर भाई थोड़ा टाइम लेगा, AI कॉमन कैडर थोड़ा टाइम लेगा, टक से रिवीजन हो गया, अबे ज्यादा मत कर देना टक से किसी को, नहीं तो टक से दे देगा वो। पीडीएफ मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, अभी जो टेलीग्राम चैनल बताया था ना मोहित का संदेश सर फेसबुक, वहीं पे पीडीएफ आ जाएगी रात को 11 बजे। अब ज्यादा टक से मत करना किसी का, तो वो टक से दे देगा तो मजा आ जाएगा फिर, ठीक है। चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी, कल 4 बजे आपका इंतजार करूंगा डेली मंडे से, ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच।